आपका वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जो आपका, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं ना, तो बहुत सिंपल सी बात है। हमने लास्ट वैल्यूएशन की बात करें, तो हमारे दो प्रकार के, आपके दो तरीके के आपके यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम मेनली पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं बॉन्ड और एक पढ़ रहे हैं इक्विटी। अभी तक हम बॉन्ड और इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर वगैरह बड़ा कम है ही नहीं वो तो। अगर हम बॉन्ड की वैल्यूएशन की बात करें तो ये हमें सिखाता था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्ड करना तो भूल ही गए। FY का ग्रुप एक्टिव कर देता हूं, मेरे लिए भी लग रहा है कि ये बेनिफिशियल है। मैं WhatsApp का ग्रुप बना देता तो मेरा बहुत हद तक मेरी टेंशन सॉल्व हो जाती कि एक ही नंबर से मैं मतलब 4-5 ग्रुप बना लेता, लेकिन उसमें नंबर शेयरिंग का इशू है। नंबर जब शेयर हो जाता है ना तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम और वो दिक्कतें फेस करने लगते हैं, तो इसलिए मैं वहां जा नहीं रहा। और टेलीग्राम पे सभी बच्चे हैं नहीं, टेलीग्राम में नंबर सर्च करके ग्रुप ही नहीं बनता, तो वो भी एक चैलेंज है। चलो देखते हैं, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। मैं कल ऑन करवा दूंगा, मैं लिख लेता हूँ सारी चीजों को ना, लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले तो जो थे वो कर देते थे सारा। एक मुझे FY का क्या करवाना है, अभी मैं मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप को एक्टिव कराना है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा उस ग्रुप के अंदर ना कोई लिंक वगैरह ऐसा कुछ शेयर मत करिए, एक एथिकल बना के रखिए। जो डाउट है वो डाउट पूछिए और डाउट के तरीके से उसको कंसर्न लीजिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमन, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल कर दी है। चलिए तो मैं बात कर रहा था सर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के अंदर हम, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमें फाइंड करना है कि उसका असली प्राइस क्या होता है सर, मतलब एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। तो दो ही चीजों का वैल्यूएशन करते हैं, एक बॉन्ड का और एक इक्विटी का। बॉन्ड का हमने लास्ट 4 चैप्टर के अंदर किए, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग हैं। बॉन्ड का किया जिसके अंदर हम निकालते थे इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज P0 या इंट्रिंसिक वैल्यू 0 कर देते थे हम, इस तरीके से करते थे। ऐसे इक्विटी का भी हमें वैल्यू निकालना है, और जिसको आप कह सकते हो बॉन्ड के अंदर भी अलग अलग मेथड से, एक हमने देखा था डिस्काउंटिंग फैक्टर मेथड था, फिर एक जब एक से ज्यादा शेयर्स आ जाते थे तो हमारा था दैट इज जिसको हमने यील्ड मेथड बोला था, तो उसको भी हमने सीखा था। सेम ऐसे इक्विटी में भी बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि एक जो जाना पहचाना, पहले मैं वो करा दूं, जैसे कि आपका वॉल्टर, आपने FM में पढ़ा है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आपका प्राइस क्या होना चाहिए। इसके साथ आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक है, तो अलग अलग मॉडल है। तो हम एक काम करते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और पहले हम कर लेंगे कौन सा सर, वॉल्टर मॉडल का, जो हमने पहले पढ़ा हुआ भी है। वॉल्टर के बेसिस पे यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्या करेंगे, हम शेयर्स की प्राइस को जानेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम शेयर्स की प्राइस को जानेंगे तो जो हम फॉर्मूला लगा के या जैसे भी हम जिस मेथड से भी हम एक प्राइस को निकालेंगे, उस प्राइस का जो वैल्यू आएगा और मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। मान लो हमने जो निकाला इसका वैल्यू आया, मान लेते हैं 100 रुपए और मार्केट में 70 का मिल रहा है, तो वेरी सिंपल है, सस्ता मिला तो बाय कर लेंगे, महंगा मिला तो हम बाय नहीं करेंगे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि हम बेच देंगे, ठीक है ना? इसके साथ हम बेच देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे सर, वॉल्टर मॉडल का एक हम देख लेते हैं कि वॉल्टर मॉडल का क्या है। वैसे काफी सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं आपको वॉल्टर मॉडल पहले करा दूं। वॉल्टर मॉडल का आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, वॉल्टर मॉडल का ये होगा 8.6 से, तो मैं वहीं पे आ जाऊं। ये रहा वॉल्टर मॉडल 8.6, ठीक है। तो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालने जा रहे हैं। एज पर वॉल्टर मॉडल
सर वॉल्टर मॉडल क्या कहता था? कहता था आपका जो प्राइस होगा दैट इज पी जीरो, जो प्राइस होगा वो क्या होगा सर, वो प्राइस निकालने का उन्होंने एक मेथड्स बताया, एक फॉर्मूला बताया। वैसे तो प्राइस निकालने में गॉर्डन भी है और एमएम भी है, लेकिन गॉर्डन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ वॉल्टर है तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। गॉर्डन भी है और जो एमएम है वो प्राइस नहीं बताता था, बेसिकली वैल्यू ऑफ फर्म बताता था इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, डी अपॉन में, अभी हम सब पे बात करेंगे कि डी क्या है, के ई प्लस डी अपॉन में के ई, डी अपॉन में के ई आर डिवाइडेड बाय के ई इन टू ई माइनस में डी। सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे निकला। जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे होंगे उनके लिए न्यू होगा, जिन बच्चों ने के पहले एफएम पढ़ा होगा तो उसके लिए बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिवाइडेड बाय के, पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देते हैं सर। यहां पे डी का मतलब है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो। सर यहां पे आर का मतलब है आर रेट ऑफ रिटर्न सर। यहां के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर। यहां ई का मतलब है अर्निंग सर। यहां पी जीरो का मतलब है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। डी हो गया, के ई हो गया, ई हो गया। अब सर डी कैसे निकलता है? यहां पे एक और होता है हमारा, दैट इज हमारा बी, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। सर डी पे आउट रेशो हमेशा याद रखिएगा, हम क्या करते हैं नॉर्मली देखा जाए, जैसे मान लो अब सबसे पहले ई कैसे निकलता है वो देख लें। ई निकलता कैसे है, मान लेते हैं कि 10,000 रुपए कमाए और अगर मान लो 2,000 शेयर है तो डिवाइड मैंने किया नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर कह लो या ई कह लो, बात एक ही है, अर्निंग पर शेयर कह लो या ई कह लो, यानी ई को मैं अर्निंग पर शेयर भी कह सकता हूं, दैट इज ईपीएस। तो अगर यहां पे मैं करूं तो भैया 5 रुपए आया, अब इस 5 रुपए को मैं सारा का सारा भी बांट सकता हूं और कुछ रिटेन भी कर सकता हूं। जितना मैं बांटूंगा, मान लो मैंने कोशिश की कि इसमें से 40% बांट दूंगा, तो जो 40% मैंने बांटने का प्रॉमिस किया दैट इज इसे कहेंगे पे आउट रेशो। और 40% कितना होगा इसका 2 रुपए, और 60% मैं इसका नहीं बांटूंगा दैट इज कॉल इसका रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो, और रिटेंशन रेशो की अगर हम बात करें साहब तो रिटेंशन रेशो 60% यानी 3 रुपए है। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो हमारा यूज हो रहा है डी, दैट इज हमारा डिविडेंड कितना है, पे आउट कितना कर रहे हैं। अगर मैं इसके पॉइंट से लू तो हमारा ई कितना आएगा, 5 आएगा, और डी कितना आएगा सर हमारा टोटल मिला के आ जाएगा 2। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, यानी सर आपने बोला कि इक्विटी आएगा सर आपका कितना 5, इसमें से माइनस करोगे 2 दैट इज 3, यानी अगर इस फॉर्मूले को आप देखो तो ये हमारा एक तरीके से रिटेंशन रेशो बी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक तरीके से रिटेंशन रेशो बी बन जाता है हमारा ये। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है सर, हमें डी डिवाइडेड बाय के ई रखना है। पे आउट रेशो सभी को समझ में आया, पे आउट रेशो क्या होता है, जितना परसेंट हम डिविडेंड देते हैं पे आउट रेशो, और डिविडेंड का परसेंटेज किस पे निकलेगा, हमेशा निकलेगा ईपीएस पे। अर्निंग पर शेयर क्या होता है इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। ईपीएस क्या होता है सर, यानी ई क्या होता है सर, ई होता है प्रॉफिट यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस या डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और इसी को हम ईपीएस के नाम से भी जानते हैं, इसी को ईपीएस के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे वॉल्टर का थ्योरी था, वॉल्टर जी का कुछ थ्योरी था कि सर आपका हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर क्वेश्चन ने बोला 40% डिविडेंड देंगे तो ओके है,
क्वेश्चन ने बोला कि अगर हम 10% डिविडेंड देंगे तो भी ओके है, लेकिन प्रॉब्लम और समस्या तब आ जाती है जब के क्वेश्चंस के अंदर ये गिवन हो कि आपका शेयर्स का मैक्सिमम प्राइस कब होगा, क्या ऐसा एक्टिविटी करो कि शेयर का मैक्सिमम प्राइस हो, क्या ऐसा एक्टिविटी करो शेयर का मिनिमम प्राइस हो, क्या ऐसा डिविडेंड पे करो कि शेयर्स के प्राइस पे कोई फर्क ना पड़े। यानी सर यहां तीन क्वेश्चन रेज हो गए आपके, क्या ऐसा वर्क करो कि आपका जो शेयर्स का प्राइस हो वो ग्रेटर हो, क्या ऐसा वर्क करो कि शेयर्स का प्राइस जो है वो इक्वल हो, क्या ऐसा प्राइस करो कि शेयर्स का जो प्राइस है वो लेस देन हो। यानी सर यहां ऐसा क्या डिविडेंड का रेशियो रखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या रखो जिससे कि ये हो हमारा। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा सर आपका रिलेशन बिटवीन द आर और के। वॉल्टर जी कहते थे आपको रिलेशन देखना पड़ेगा किसका सर, आर और के। अगर आपका आर ग्रेटर देन है, उनका कहना था कि अगर आपका आर ग्रेटर देन है किससे सर, केई से, केई से, अगर ऐसा चल रहा है तो आप यहां पे डीपी रेशियो रखना, डीपी एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना सर, आप रखना यहां जीरो। अगर आपने जीरो डिविडेंड दिया तभी आपका शेयर्स का प्राइस बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर मान लो केई ग्रेटर देन हो जाए किससे, आर से, तो उस केस में आप डीपी रेशियो डीपीआर रखना, वो कितने परसेंट रखना, 100%, तभी आपका प्राइस बढ़ेगा। उन्होंने कहा अगर के ई इज इक्वल टू आर हो जाता है तो आपका डीपीआर डीपीआर आप कुछ भी रखो, डिविडेंड प्राइसिंग डिविडेंड पे आउट रेशियो या डिविडेंड प्राइसिंग रेशियो या डिविडेंड रेशियो कह लो, कुछ भी रखो, नो चेंज। उन्होंने कहा नो चेंज। उनके तीन थ्योरम थे कि सर आपका आर और के ई के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। कैसे निकालेंगे सर, यहां इसी चीज को प्रूव करके दिखाएंगे, हालांकि बिल्कुल सेम एज इट इज एफएम के जैसा है ये, उसके अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं है कि एफएम के अंदर कुछ और पढ़ा अभी कुछ और पढ़ा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बुक का, फिर हम फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। चलिए सर क्वेश्चन क्या कहता है, टी एन के हैज एक्सपेक्टेड ईपीएस कॉन्स्टेंट ऑफ रुपीज 10, यानी ईपीएस 10 है, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी सर ये के ई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स निकालना है 1 इक्विटी 12% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर कहता है कि इक्विटी का जो रेट है वो 12% है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी सर आर रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, वो क्या था हमारा कैपिटलाइजेशन के ई, रिटर्न ऑन इक्विटी कहता है सर कितना होना चाहिए सर 12%, तो क्या करोगे, एंड इसके बाद कहता है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो अलग अलग है, 0% पे क्या होगा, 40% पे क्या होगा, 100% पे क्या होगा, एंड व्हाट इज द आंसर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 9% हो जाए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे दो हो गए, एक हो गए रिटर्न ऑन इक्विटी, एक हो गया हमारा 12%, एक हो गया, तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो हमें दोनों अलग अलग करके यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट डिविडेंड निकालना है सर, यहां पे क्या क्वेश्चंस में बोला है कि डिविडेंड कितना होगा, बिल्कुल हाँ, केस नंबर 1 जीरो, यानी आप डिविडेंड नहीं दोगे, केस नंबर 1 कितना होना चाहिए सर, जीरो होना चाहिए, आप डिविडेंड नहीं दोगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है पी जीरो इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस प्लस आर डिवाइडेड बाय के प्लस आर डिवाइडेड बाय के इनटू ई माइनस में डी डिवाइडेड बाई के, फॉर्मूला ये कहता है। इसी क्वेश्चन में हम पॉइंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हमारा डी पी आर यानी डिविडेंड रेशियो क्या है, जीरो, एक भी नहीं देना, तब क्या होगा,
यहाँ पे हमारा दे रखा है आर, दैट इज आर रिटर्न दे रखा है, रिटर्न कितने हैं 10%, नहीं 10 नहीं 12%, और यहाँ पे के दे रखा है, के कितने परसेंट है सर 10% है, के कितने परसेंट है 10% है, पर अर्निंग दे रखा है यानी ई दे रखा है, कॉन्स्टेंट ई कितना दे रखा है 10 रुपये, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना। एक बच्चे का है ये, पहले ये बता दो ये फॉर्मूला पहले आपको क्लियर हो गया, मैं अभी अप्लाई कर दूंगा फॉर्म। यहां तक किसी को डाउट है डीपी रेशियो में, मैं अप्लाई कर दूंगा, बताओ किसी को दिक्कत है? नो no, ठीक है चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सर। डी डिवाइडेड बाई के, डी तो जीरो है, डिवाइडेड बाई के, के क्या दे रखा है, के 10 है, 0.1 प्लस सर आर, आर क्या है हमारा सर 0.12 डिवाइडेड बाई के क्या है 0.1 इंटू ई 10 माइनस में डिविडेंड कितना दोगे जीरो, इन सभी को डिवाइड करोगे किससे के ई से, के ई क्या है हमारा 0.1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर कैलकुलेटर, यहां दो दो कैलकुलेटर कैसे आ गया, यानी ये वाला तो हमारा पार्ट जीरो ही रहेगा, प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 12 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 0.1 120, यानी सबको मिला जुला के सॉल्व किया तो आ गया 120, यानी हमारे शेयर का प्राइस क्या आया 120 आया। अब ध्यान से देखो तो हमारा R ग्रेटर है, R ग्रेटर किससे है हमारा, R बड़ा है किससे के ई, तो रूल क्या कह रहा था, रूल कह रहा था कि अगर R आपका के ई से बराबर है तो डीपी रेशियो अगर आप जीरो रखोगे तो आपका जो प्राइस है शेयर का वो प्राइस शेयर्स का ज्यादा दिखेगा आपको, यानी कंपनी को हिदायत दी जा रही है कि आपको डीपी रेशियो जीरो ही रखना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कंपनी ने बोला कि मेरे को एक बार 40 रख के बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा लो जी 40 रख के बताते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर टू 40 रख के बता दो, तो 40 रख के बताएं तो क्या है फॉर्मूला सर, पी जीरो इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के प्लस में आर डिवाइडेड बाई के इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। ओके सर, डी क्या है सर, डी दे रखा है क्वेश्चन में, बोलता है 40, कौन बच्चा बताएगा डिविडेंड कितना है, डी दे रखा है 40% दे रखा है, तो 40% किसका निकालोगे सर, 40% निकालोगे ई का, तो ई यानी 10 है तो 10 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा डी सर बता दो फटाफट, 4 रुपए, तो डी आ गया हमारा 4 रुपए डिवाइडेड बाई के ई। के ई की तरफ चलते हैं तो के ई कितना होगा सर, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी के ई, के ई के ई की तरफ चलते हैं सर, के ई के ई 0.1 के कितना है 0.1 प्लस आर क्या है 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू ई कितना है हमारा सर 10 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 0.1। इस सभी को सॉल्व करते हैं तो थ्योरी कहता है सर प्राइस घटेगा, चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 40, ये वाला हिस्सा आ गया 40 इसके बाद 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 0.1 गड़बड़ हो गई क्या, पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाई पॉइंट वन, 1.2 इंटू में 6, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, डिवाइडेड बाई पॉइंट वन तो 72 और प्लस 40 ये आ गया 72 प्लस 40 112 तो जैसे ही मैंने डिविडेंड बढ़ाया, पहले मेरा क्या प्राइस आ रहा था जब डिविडेंड जीरो था, और जैसे ही मैंने डिविडेंड बढ़ाया तो प्राइस क्या आ गया सर 120। अगर मैं और डिविडेंड बढ़ाऊंगा
जैसे क्वेश्चन में कह रखा है, मान लो आप डिविडेंड दो कितना 100, तो मैं डिविडेंड बढ़ाता जाऊंगा मेरे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स घटता जाएगा, हमारे शेयर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो चलो 100 करके भी देख लेते हैं, यानी सर पी जीरो इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के, डी डिवाइडेड बाई के प्लस आपका आर डिवाइडेड बाई के ई माइनस में डी डिवाइडेड बाय के। डी क्या है? 100% डिविडेंड कह रहा है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा डी क्या होगा? फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, डी क्या होगा? वहां पे 100% कह रहा था तो डी क्या होगा? डी बताइए फटाफट से, डी का जवाब दीजिए, डी होगा क्या? डी का जवाब दो, डी क्या होगा? क्वेश्चन दिखा दें, नेहा ने कहा 10, और भी बच्चे बताओ, जितने बच्चे लाइव है सभी बता दो डी होगा क्या। अदिति ने कहा सर डी 10 होगा, नेहा ने कहा 10 होगा, फिर से नेहा, अभिषेक का भी 10, यानी मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं 10, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। अंशु ने भी कहा सर 10, ओके सर डी 10 होगा। के ही तो पता ही है 0.1 है इसमें, प्लस आर क्या है 0.12। मैंने सभी का कमेंट देखा, सभी कह रहे हैं 10, अंशु भी कह रहे हैं 10, और ये क्या होगा 0.1। ई कितना है हमारा 10, माइनस में क्या होगा 10, क्योंकि डी तो 10 है, डिवाइडेड बाय 0.1, तो साहब ये क्या आ जाएगा 100, और प्लस में जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0, प्राइस क्या आ गया 100। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया, प्राइस बढ़ाते ही मेरे प्राइस क्या हो गए, इसके डाउन हो गए, प्राइस बढ़ाते ही क्या हो गए सर, डाउन हो गए P0 100। तो यही थ्योरी मैं समझा रहा था आपको, रूल कि अगर आपका आर बड़ा है के ई से, आर ग्रेटर देन है के ई से, तो डीपी रेशियो को आप 0% जब, यानी डीपी रेशियो जब आप डिविडेंड नहीं देंगे, तब आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होगा, बढ़ के आएगा। लेकिन अगर आर आपका के ई बड़ा हो तब तो भैया आप डिविडेंड ज्यादा देना। ऐसा क्यों बोला जा रहा? आर का मतलब है रिटर्न, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न। अगर आपका रिटर्न ज्यादा है मतलब आप कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो, तो डिविडेंड क्यों दे रहे हो? जो उनको शेयर होल्डर को पैसा दोगे, उस पैसे को कहीं और लगा दो, उससे ज्यादा रिटर्न होगा, शेयर होल्डर को और दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड ज्यादा परसेंटेज से आ रहा है, कई कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है और बाहर, तो भाई शेयर होल्डर तो मना करेंगे, मेरे को भाई पैसे दे दो, बाहर लगाऊंगा तो कम ही मिलेगा, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, के ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे ये रहता है तो। आ जाइए सर अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। आप बोलते हैं कि आपको रिटर्न 9% मानना है, रिटर्न 9% मानना है, यानी क्वेश्चन क्या हो गया सर, सर के ई तो 10 है, 10 है कितना है, के 12 है, के 12 है, और आर को मानना है अब 9%। पिछले क्वेश्चन में क्या था, के 10 था, आर 12 था। चलिए मैं एक और इसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट ऐड कर दूंगा, ये वाला तो पार्ट होमवर्क में रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस बना के एक पार्ट ऐड कर रहा हूं। मैं आर कर देता हूं मैं 14%, फॉर एग्जाम्पल 14%, ठीक है ना, और हमारा डिविडेंड, डिविडेंड मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। आर पता चल गया, अर्निंग हमारा कांस्टेंट है 10 रुपये, अर्निंग कांस्टेंट, तो व्हाट, अब आपको यहाँ निकाल के दिखाना है, अगर हमारा डीपीआर 0% पे निकाल के बताना है, 40% पे निकाल के बताना है, और 100% निकाल के बताना है। मैं पहले ही बता दूं प्राइस पे क्या इम्पेक्ट आएगा, कैसे बताओगे सर, रूल के हिसाब से। अब हमारा के ज्यादा है, के ज्यादा है, आर कम है, क्योंकि जो मैंने आर लिया है और के ई लिया है, देखो के मैंने क्या माना है सर, के माना है मैंने, एक मिनट, के ज्यादा है,
आर ग्रेटर देन के ई, पहले आर ज्यादा था, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं ले लिया। आर 12 है, के ई 10 था, तो आर ज्यादा था ना। अब आर ज्यादा है, रिटर्न था 12, मैंने कुछ गलत ले लिया क्या? आर 12 है, अब 10, ठीक है, मैंने 12 कर दिया, आर 14 कर दिया, ठीक है, तो अब आर ज्यादा हो गया। के ग्रेटर हो जाएगा, मैंने शायद कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया, सर के 10 ही होगा। एक मिनट, मैं एक बार, जब के ज्यादा, ही ज्यादा होगा, कुछ मैंने गड़बड़ अजम्पशन ले लिया है। आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाइए। मैंने क्या क्या था आपको दे रहा था, के ई 10 और आर था आपका 12, आर था आपका 12, आर 12, अच्छा आर 12 था, यही कहूं मैं कि मैंने गलत क्या ले लिया। अब मैंने के ई लिया है इस एग्जाम्पल में, आर 14 ले लिया, तो आर बड़ा हो गया ना। हाँ आर बड़ा हो गया, फिर कंफ्यूजन, आर बड़ा हो गया हमारा, आर ग्रेटर देन हो, ठीक है, आर बड़ा है, बड़ा के ही बड़ा हो, तो आर तो बड़ा ही था यहाँ पे, के ही मैंने आर बड़ा, मुझे लेना पड़ेगा 9 ही लेना पड़ेगा, आर को मुझे 9 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, बुक वालों ने सही दे रखा है, 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि यही बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, बुक के अंदर सही था, हम बुक वाला ही ले लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं आर और के ई में उलझ गया, थोड़ा कंफ्यूजन बुक वालों का ठीक था, हम बुक वाला ही करते हैं, ठीक है, होमवर्क नहीं देंगे उसको। तो सर फॉर्मूला क्या कहता है, P0, अब देखो आर कम है, के ई ज्यादा बड़ा है, के ई ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, पहले ही बता दें, अगर के ई आपका ज्यादा बड़ा हो, अगर के ई बड़ा हो तो ऐसे सिचुएशन में आप डीपीआर 100% रखोगे तो आपका प्राइस अप जाएगा, अगर डीपीआर आप 100% से कम रखोगे तो आपका प्राइस डाउन जाएगा। यानी सर यहाँ पे हमें पे आउट रेशो ज्यादा देना है, तो मेरे सवाल के अंदर आपका P0 इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई, ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। सर डी क्या है, पहले बार में जीरो मानो, तो रूल क्या कहता है 100 पे, तो जीरो मानने पे देखते हैं, डिवाइड बाय के ई क्या है हमारा 0.12, हाँ मैंने उल्टा पुल्टा ले लिया क्या, यहां पे आर लिया था 0.12 और आर 0.12 था और आर, अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ये आर है, और जो के है दैट इज 10 है, एक बच्चा बोल भी रहा था के 10 है, और के अगर 10 है, आर 9 है, अब ठीक है, अब ठीक है
सर केई 10 है, बस यही गड़बड़ हुआ था, बता भी दिया केई 10 है। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई रखो 0.1 प्लस आर क्या लिया हमने 9, 0.09 डिवाइडेड बाय के ई क्या है 0.1 इंटू में आपका 10 माइनस में डी कुछ नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये वाला सेक्शन तो 0 ही हो गया, ये सेक्शन तो क्या हो गया सर 0 हो गया। तो आप देखते हैं 0.09 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसका प्राइस आया दैट इज 90। अब मुझे बताइएगा, मैंने अगर डिविडेंड 40% कर दिया, डिविडेंड अगर 40% कर दिया मींस 4 रुपए कर दिया, तो मेरा प्राइस विदाउट कैलकुलेशन बताइए प्राइस जो है वो इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, प्राइस इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, फटाफट बताइए प्राइस इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, जल्दी बताइए। तुषार का कहना है सर ज्यादा आएगा यानी ग्रेटर आएगा। चलिए प्रूफ करते हैं सर, पी जीरो इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस में, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, लास्ट लिख रहे हैं के ई ई माइनस में डी डिवाइडेड बाय के ई। सर डी क्या है हमारा, डी हमारा 4 है, के ई क्या है 0.1 प्लस आर क्या है 0.09 डिवाइडेड बाय के 0.1, ई क्या है सर ई हमारा है 10 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 0.1। सॉल्व करते हैं सर, अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 0.1 40 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 0.1 9 डिवाइडेड बाय पॉइंट इंटू में इंटू 6 डिवाइडेड 0.1, तो ये आ गया हमारा 40 प्लस में 0.09 डिवाइडेड बाय 0.1 0.9 है ये इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 0.1 54, तो ये आ गया सर कितने 40 प्लस में 54 यानी 94। पहले क्या प्राइस आया था 90, अब क्या आया 94। सवाल क्या कहता है सर, एक और पॉइंट कह रहा है सवाल में कि अगर 100% हो तो मैं आपको निकालने देता हूं कि अगर 100% पे आउट रेशियो हो तो क्या होगा, बताइए 100% पे आउट रेशियो हो तो क्या होगा, निकाल के बताइए 100%। चलिए ये भी मैं ही निकाल देता हूं 100% पे क्या होगा, पी जीरो इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.1 10 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस आर 0.09 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू में 10 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये सेक्शन जैसे ही इंटू 0 से होगा तो सब कुछ 0 हो गया, तो प्राइस आ गया सर 100 रुपए, प्राइस आ गया 100 रुपए, रिटर्न 0 हो गया, प्राइस आ गया 100 रुपए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का मिल जाए हमें, एग्जाम में पूछा गया है 2011 में, प्रैक्टिकल 8.9। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2011 में, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, हाँ या ना में जवाब, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे बताइए। क्या कहता है मिस्टर सुनील, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16%, हेंस ही मेड इन्वेस्टमेंट
ऑन द शेयर ए बी सी यूजिंग द आपका गॉर्डन मॉडल. मैंने वॉल्टर लिख दिया, एक मिनट. नहीं, ये गॉर्डन का है, गॉर्डन का भी है, एक मिनट रुकिए. दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए वॉल्टर. वॉल्टर वाला देखते हैं पहले. चलिए, मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए अगर आपको होमवर्क दूं, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है. गॉर्डन का भी कर ही लिए क्या, पहले इसको हटा दीजिए, ठीक है. आप इसकी जगह पे कर दीजिए वॉल्टर, और वो समझ के आप क्वेश्चन करिएगा. जहां पे ईपीएस आपका 10 है, अब देखिए वर्ड क्या यूज किया, ईपीएस मतलब आपका ई आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आर, और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी के ई. आपका 20 हो तो रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो दे रखा है, यानी अगर यहाँ रिटेंशन रेशो 800 है तो पे आउट रेशो क्या होगा, पे आउट रेशो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 40 होगा. यानी सर हमारा जो ई होता है, ई इज इक्वल टू डिविडेंड पे आर, डी पी आर, और होता है रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो. तो अगर आपको रिटेंशन रेशो पता है तो आप इसमें से माइनस करके डी पी आर निकाल सकते हो. इसको मान लो आप 100, और जो भी परसेंटेज है उससे आप निकाल सकते हो. तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से दे रखा था, तो इस सवाल को आप एक करेंगे होमवर्क के अंदर, हो जाएगा. ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसके गोल्डन मॉडल को अलग से करा दूंगा, ये हो जाएगा. बताइए हो जाएगा ये. यस, तो अभी सिर्फ दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं. कल मैं एक रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा इसका, ठीक है. कल लाइव नहीं होगा, कल रिकॉर्डिंग होगा, जिसके अंदर मैं कुछ अप्रोचेज इसके अंदर डाल दूंगा. एक अप्रोचेज है वॉल्टर के बाद मैं कल क्या करा दूंगा, कल या संडे तक ये चैप्टर खत्म होगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा और उसको रिकॉर्डेड आप देख के कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको तो देखो खत्म करना है, तो रिकॉर्डेड डाल देंगे, ओके रहेगा. तो ये वाला पहले आप कर लेंगे रिकॉर्डेड, और जो मैंने थ्योरी वाला कराया है वो आपको पढ़ लेना है, सिंपल सा पॉइंट है और सिंपल तरीके से कर लेंगे आप वो. चलिए बताइए, किसी बच्चे का कोई डाउट तो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. यस तरुण बताइए. बताइए तरुण, वॉइस आ रही है आपको, आनी तो चाहिए. हाँ जी तरुण बताइए. हाँ जी बताइए बताइए, आ रही आवाज. कौन से वाला लाइव क्लास में क्या कह रहे हो आप? अच्छा
बताइए इसमें कौन सा पॉइंट क्या क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आपके सामने है तरुण, आप बताएंगे जैसे कि मुझे सर आर कैसे आया, के ई कैसे आया, फॉर्मूला पहले समझ में आया आपको? हाँ हाँ बताइए बताइए, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको पहले? ये वाला बोल रहे हैं आप? एक तो मैंने ये कराया था और एक ये कराया है, ये वाला। हाँ इसके अंदर देखो, इसके अंदर फॉर्मूला क्या है आपका, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, के ई गिवन है 10, आर गिवन है 9, ई गिवन है 10, और बोला गया है कि अगर आप डिविडेंड 0% दो तो बताओ, 40% दो तो बताओ, 100% दो तो बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है, तो मैंने 0% को मान के ये वाला सॉल्व किया, ये वाला दूसरा मैंने 40% मान के सॉल्व किया, और तीसरा 100%। तो अगर 0% मानूंगा तो डी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। के ई तो दे ही रखा था, के ई कितना था 10, तो 0.1 हो गया, प्लस के आर क्या है हमारा 0.091 डिवाइडेड बाय 0.1। अगर इस वाले फैक्टर को सॉल्व करेंगे, इस वाले एरिया को, तो ये तो जीरो ही हो जाना है क्योंकि जीरो से डिवाइड हो रहा है, बाकी इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 90। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के अंदर इसका डीपी रेशियो आपको 40 मान के करना था, तो जहां पे डी लिखा है वहां पे मैंने 4 लिख दिया, तो डी यहां भी लिखा था 10 - 4 करके 6 हो गया, इसको पूरे को सॉल्व कर रहा तो 94 आ गया। सेम ऐसे तीसरे में किया, यहाँ पे 10 - 10 जब किया ना तो ये पूरा सेक्शन जीरो हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर ये आ गया हमारा 100। चलिए हमारा टॉपिक आज ये खत्म होगा, बीच में क्लास ले नहीं पाया, पहले हम क्लास पूरी ले लेते हैं फिर हम बाकी के डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, यानी हमारा जो शेयर होता है उस शेयर की, एक शेयर की कीमत कीमत कितनी होनी चाहिए वो सिखाया जा रहा है। हालांकि इसकी कीमत हमने अकाउंट्स में भी सीखा है, एमलगमेशन वाले टॉपिक में, या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला एक टॉपिक हुआ करता था, वहां भी सीखा है, लेकिन वो अकाउंटिंग था। अब हम एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वहां पे वो एमलगमेशन मर्जर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आता था। हो गया, तो अब इसके अंदर हमारे टॉपिक्स क्या है जो कि हम देखेंगे सर। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी की बात करें तो एक तो डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल है, एक है डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल, एक है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल, एक है पी रेशियो मॉडल, एक है सीएपीएम मॉडल, ठीक है ना। अब सर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल, यहां पे हम बेस्ड जाएंगे, हम डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे, डिविडेंड, ठीक है। एक है डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल, और यहां पे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मॉडल। पहले मैं डिस्काउंटिंग डिविडेंड मॉडल की बात करूं, ये डिविडेंड हटा देते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, हमें सिंपल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया आंसर देना आना चाहिए यहाँ पे, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर कैसे करना है सर, अगर आपको किसी भी शेयर का, नॉर्मली हमें इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है कि मान लो ये मान लेते हैं आप हो, ये यू, और आपने एक शेयर का प्राइस निकाला और शेयर का कुछ फॉर्मूला वर्मूला लगा के प्राइस निकाला, और इसका प्राइस आया मान लेते हैं 200 रुपए, और ना वो मार्केट में अगर आप खरीदते हो, प्राइस 200 है लेकिन मार्केट में वो मिल रहा है 300 का, तो उसका होना चाहिए प्राइस 200 आपके फॉर्मूला लगाने के बाद, और मार्केट में प्राइस 300 है, तो आप इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन वही मार्केट के अंदर आपको 150 में मिले तो आप सोचोगे यार ये तो कंपनी का शेयर 200 होना चाहिए, लेकिन मार्केट में मिल रहा है 150 का, तो आप इसे क्या करोगे, खरीद लोगे। तो हम वही निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू हर शेयर का निकालेंगे, जिस भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर बहुत सारे मॉडल है, एक तो हम इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए कर देंगे, बात खत्म, एक है कि हम इन्फिनिटी टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक है कि हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो मल्टीपल टाइम और मल्टीपल टाइप से होंगे। हम बेसिकली इसके अंदर एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा, जब 1 साल के लिए बोला जाएगा, क्या है सर, D1 + P1 1 + KE, KE कह लो, या KE को हम RE भी कह सकते हैं, ठीक है ना, KE कह लो RE,
डी वन क्या है सर? डी वन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सर दूसरा डी वन निकालने का तरीका क्या है? डी वन निकाला जा सकता है आपका डी जीरो और वन प्लस जी, हमने पहले भी सीखा हुआ है एफएम के अंदर। सर के ई क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो, रिक्वायर्ड रेट, एक्सपेक्टेड रेट। सर पी वन क्या है? सर एक्सपेक्टेड प्राइस यानी मार्केट प्राइस। और हम निकालेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू प्राइस। हम एक छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते जाएंगे और करते जाएंगे, सिंपल सिंपल तरीके से खत्म कर लेंगे हम इसको। चलिए इस सवाल को देखते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं की। चलिए इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या कहता है? कहता है कि एक इन्वेस्टर है वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर एक्स वाई जेड। अच्छा, यानी एक इन्वेस्टर है और वो चाहता है कि हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करें, कितने साल के लिए? एक साल के लिए। द कंपनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिक्लेयर ₹2, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल रहा है, यानी बोला भैया एक साल के लिए करूंगा और मेरा जो डी वन रहेगा वो ₹2 रहेगा कंपनी का। फर्दर आपका लीडिंग सिक्योरिटी एनालिसिस हैज द प्रोजेक्टेड ईयर एंड टारगेट प्राइस ऑफ द कंपनी। अच्छा, यानी शेयर्स का प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120, पी वन आ गया। डू यू थिंक स्टॉक इज गुड? आपको लगता है कि ये स्टॉक ठीक है ₹100 के प्राइस पे? तो अज्यूम दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। अच्छा, के कितना है हमारा? 10%। तो आपसे बोला गया भैया आपको लगता है कि ₹100 में इस शेयर्स को खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले हमें इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना है। इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो, क्या फॉर्मूला है? डी वन प्लस में पी वन डिवाइडेड वन प्लस में के ई। डी वन क्या है? 2। पी वन क्या है? 120। वन प्लस में के ई क्या है? 0.1। सॉल्व कर लीजिए, जो प्राइस आएगा उसके हिसाब से हम फैसला ले लेंगे, जो प्राइस आएगा उसके हिसाब से हम फैसला ले लेंगे। दैट इज 122 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया 110। यानी सर इसका प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए ₹110। अगर आपको ये शेयर ₹100 में मिले तो यू शुड बाय, आपको क्या कर लेना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में उसका प्राइस क्या होना चाहिए? 110, लेकिन 100 में मिले। लेकिन 120 में अगर खरीदने को मिले तो हम इसको डिनाई कर देंगे, बाय नहीं करेंगे हम 120 में, तो बिल्कुल भी कतई नहीं खरीदेंगे। आज जिनकी फर्स्ट क्लास है वो कोई बात नहीं, उनको पहले पुराना तो करना ही करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, एक और क्वेश्चन दूं मैं इसका, ऐसा करने के लिए ऐसा एक और क्वेश्चन दिया जाए, कहीं से ढूंढ ढांड के देते हैं एक हाथ क्वेश्चन। प्रॉब्लम में होगा, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला किया था वॉल्टर मॉडल का, गॉर्डन मॉडल का भी देख लेंगे। भाई मिल जाओ 8.4। मेरे साथ साथ ना फटाफट से आपको कुछ करना भी है। चलिए आ जाइए 8.4 क्वेश्चन 8.4 पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल 8.4 अभी आप करके दिखाओगे। इसमें किसी को डाउट हो सकता है मे बी, लेकिन फिर अगला जब करेंगे ना 8.44। चलिए सर फटाफट करके बताइए 8.4, जल्दी करके बताइए। देखिए बुक ईमानदारी से आपको 8.4 ही है ना, इलस्ट्रेशन है, मुझे प्रैक्टिकल पे जाना है। प्रैक्टिकल ये आपको फटाफट से करके दिखाना ईमानदारी से, बुक किसी बच्चे को नहीं देखना, मुझे पता है आपके पास बुक है और बुक बिल्कुल भी नहीं देखना। मैं बता देता हूं कि द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 65, यानी पी वन जो है वो 65 है, एक्सपेक्टेड टू बी 90 आफ्टर वन ईयर, सॉरी ये पी जीरो है, और हमारा पी वन एक्सपेक्टेड हो जाएगा कितना? हमारा एक्सपेक्टेड 90 हो जाएगा, डिविडेंड एक्सपेक्टेड आफ्टर तो 2.9, तो डी वन दे रखा है हमारा 2.90। फाइंड आउट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, आपको इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बताना है सर।
चलो ये भी मैं ही कर देता हूँ। तो सर हमारा वैसे देखा जाए तो हम ना इसे पी जीरो भी बोल सकते हैं, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन प्लस में पी वन डिवाइडेड बाय वन प्लस में के ई। तो सर पी जीरो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर 65, और इज इक्वल टू डी वन क्या है सर, डी वन दे रखा है आपको 2.90 और प्लस पी वन दे रखा है आपको सर 90 डिवाइडेड बाय वन प्लस में के ई नहीं पता, तो आपका के ई को के ई रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको यहां से वन, तो ये कितना हो जाएगा 92.90 इज इक्वल टू 65 प्लस में 65 के ई हो जाएगा। इसको इधर माइनस कर दोगे, अगर हम इसको इधर माइनस कर दें 92.9 माइनस में 65 तो 27.9 इज इक्वल टू 65 के ई। अब इसको डिवाइड कर दो 65 से, 65 से तो ये आ गया हमारा 0.42 इज इक्वल टू के ई, हमारा 4.2 40। आ जाएगा, चाहे तो उसको 42% आ गया, 9 भी आ गया, बिल्कुल सही 42.9 आ गया। और ऐसा क्वेश्चन देखें, ये तो थोड़ा अलग सा आ गया था, रेट भी निकाल लिया हमने, और कोई ऐसा क्वेश्चन मिले 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 मिल जाओ भाई ऐसा क्वेश्चन। नहीं जी नहीं है ऐसा क्वेश्चन। बताइए ये वाला समझ में आया, जब एक दो और क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। यहां पे होल्डिंग पीरियड वन था, अब सेम अगर हम देखें, अगले पार्ट की चर्चा करते हैं, कहां गया फॉर्मूला। अब इसी में इसी के ऊपर चलते हैं, व्हेन होल्डिंग पीरियड मोर देन वन ईयर तो फॉर्मूला हो जाएगा। हम तो जब एक से ज्यादा टाइम, हमने एक साल रखा उसका हमने प्राइस बता दिया, एक से ज्यादा समय रखेंगे तो क्या होगा, तो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो इज इक्वल टू आपका डी वन, जितने टाइम के लिए होल्ड करोगे पी वी ए एफ प्लस आपका जो मार्केट प्राइस होगा, यानी पी वन इंटू में पी वी एफ, मार्केट प्राइस इंटू में पी वी एफ, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। कहता है एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट द इक्विटी शेयर एक्स वाई जेड फॉर 5 ईयर। अब देखो यहां पे टाइम आ गया 5 साल, पिछले वाले सवाल में हमारा टाइम क्या आया था 1 साल, तो यही फर्क है इसलिए फॉर्मूला भी बदल गया। द कंपनी एक्सपेक्टेड डिक्लेयर डिविडेंड 2, यानी सर कंपनी ने डी वन दे दिया दैट इज 2 एट द एवरी ईयर 5 ईयर, हर साल हमारा डिविडेंड मिलेगा। फर्दर द लीडिंग सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोजेक्ट द एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी आपका जो प्राइस होने वाला है आफ्टर 5 ईयर 150, तो पी वन इज इक्वल टू 150, और डू यू थिंक स्टॉक गुड बाय, अगर 110 का मिले तो बाय कर लोगे, तो हमें रेट निकालने के बाद रिक्वायर्ड रेट हमारा कितना है 10%। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आई वी जीरो कह लो या पी जीरो कह लो, आपकी मर्जी है। तो क्योंकि एक से ज्यादा साल है, तो अब यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे सर, यहाँ पे फॉलो करेंगे हम डिविडेंड कितने सालों तक मिलेगा, कितने सालों तक है 5 सालों तक, रेट क्या है 10%, तो डिविडेंड 2 अगर मैं फॉर्मूला बना लू, लिख लेता हूं डी वन
PVAF जितने सालों के लिए, ठीक है, प्लस में P1 और इनटू में PVF, याद होगा वैल्यूएशन ऑफ डिविडेंड में बॉन्ड्स में किया था तो 2 रुपए, और PVAF कितना 10% पे निकालोगे, 10% पे अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, 1/1.1, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ये 5 साल, और इसका GT करोगे 3.79 प्लस 150 इंटू में 1/1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 0.620। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 3.790 इंटू में 2, तो ये आ गया 7.58, 0.620, ये आ गया 93। तो प्राइस आ गया हमारा 100 रुपए 58। इतना प्राइस हमारे हिसाब से होना चाहिए शेयर का, लेकिन कह रहा है मार्केट में आपको 110 का मिलेगा, तो आप खरीदोगे? तो आंसर है सर नो, हम इसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि मार्केट में हमें ये महंगा मिल रहा है। मार्केट में हमें क्या मिल रहा है सर, महंगा मिल रहा है, इसलिए हम इसे नहीं खरीदेंगे। पॉइंट में कुछ फर्क आ सकता है राउंड फिगर की वजह से, यानी सिंपली देखा जाए तो अभी तक हमने क्या देखा, दो चीजें देखी हैं। दो चीजें कौन कौन सी देखी हैं सर, एक जब 1 साल का आपका, मतलब हम प्राइस निकाल रहे हैं, जब 1 साल होल्ड करते हो तो कितना प्राइस होगा, यानी आपका नजरिया 1 साल है, और अगर आप बहुत सालों तक होल्ड करोगे तो क्या नजरिया, यहां पे भी आपका ग्रोथ है नहीं, यानी विदाउट ग्रोथ है, विदाउट ग्रोथ था। इसको मैं ठीक है, यानी दो क्वेश्चंस देख लिए हमने, एक हमारा 1 साल के लिए, 1 साल, एक हमारा 2 साल के लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल मतलब डिविडेंड के बेस पे काम करने वाले हैं। अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे सर, अभी तक हम बात कर रहे थे सर किस पे, डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है डिविडेंड के बेस पे, यहां पे हम बेस मानेंगे डिविडेंड, ठीक है ना। तो जब डिविडेंड को बेस मान लेंगे तो यहां पे दो पार्ट आ जाता है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिविडेंड में। जब आपका ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ का मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपने पैसा कमाया है उसके अंदर डिविडेंड आप 2 रुपए मिल रहा है, तो हर साल दो 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 मिलता रहेगा, ग्रोथ है ही नहीं। दूसरा आपका ग्रोथ है तो वहां पे देखा जाएगा कॉन्स्टेंट ग्रोथ है या मल्टीपल ग्रोथ है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, जब हमारा ग्रोथ नहीं होगा, दैट इज हमारा ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने, जब ग्रोथ नहीं होगा तो फॉर्मूला लगेगा D1/KE, D1/KE, जब हमारा कोई ग्रोथ हमारे बिजनेस में नहीं होगा। हम डिविडेंड की बात करेंगे सर, एक बार और सही से समझा दो इसको। हम अपना पहले क्या था, हम प्राइस वगैरह लेके और फिर हम एक P0 निकाल रहे थे। अब बोल रहा था बेस जो आपको मानना है ना, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को मानो, आपको प्राइस नहीं बताएंगे, और डिविडेंड के हिसाब से बताओ। तो भैया डिविडेंड के हिसाब से हम प्राइस तब तय करेंगे जब ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। वैसे ये कौन सा हो गया, परपेचुटी के हिसाब से हो गया, एक तरीके से कि हर साल हमारा 2 रुपए तो दो 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 मिलता रहेगा एंड टाइम तक। अब ग्रोथ होगा तो कॉन्स्टेंट होगा या फिर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, कॉन्स्टेंट हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो तो मैं करके दिखाऊंगा, तब पता चलेगा आपको। तो चलिए इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, कौन सा क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक चलिए एट पॉइंट थ्री कहता है, एक इन्वेस्टर है वॉन्ट टू इन्वेस्ट इक्विटी शेयर, इसमें करना चाहता है, द कंपनी लास्ट ईपीएस अर्निंग पर शेयर कह रहा है ये कितना है हमारा 50, यानी सर हमें ईपीएस दे दिया 50 है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 40, और डीपीआर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डीपीआर 40 है, तो हमारा डिविडेंड कितना होगा, तो 20 रुपए। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के 20%। कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी, देयर इज नो ग्रोथ इन द डिविडेंड, डिविडेंड में कोई ग्रोथ है ही नहीं। जब कोई ग्रोथ नहीं है तो P0 कैसे निकालोगे सर, D1/KE,
तो D1 क्या है सर? D1 20 है, क्योंकि यही रहेगा, आज भी 20 है, कल भी 20 रहेगा, परसों भी 20 रहेगा, तो D1 20 ही रहेगा हमारा, ग्रोथ तो है नहीं। डिवाइडेड बाय KE, KE कितना है? 0.2। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आता है? 100। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है? 20 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया हमारा 100। आ जाइए अगला, कहता है कि डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड ग्रोथ। जैसे ग्रोथ आ जाएगा, तो ग्रोथ जब आ जाएगा तो यहां पे अगर हम पीछे देखें, जब ग्रोथ आ जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नो ग्रोथ, ग्रोथ वाले में कांस्टेंट हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। मल्टीपल का मतलब क्या है? 3 महीने 7% बढ़ेगा, फिर 8%। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट वाला ग्रोथ लग जाएगा हमारा सर, यानी सर हमारा ग्रोथ कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब कांस्टेंट ग्रोथ रहेगा तो P0 क्या होगा सर? D1 इज डिवाइडेड बाय KE माइनस में G, जो कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर भी लिख दिया है। ये रहा फॉर्मूला। और हालांकि ये देखा जाए ना, तो ये गॉर्डन का भी यही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा अलग होता है, हम आगे देख लेंगे। तो आ जाइए सर, आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए फॉर्मूले के हिसाब से। D1 क्या है? 2 है। अब D1 देखा जाए ना तो बदल जाएगा। क्यों बदलेगा D1? क्योंकि ग्रोथ तो है ना। तो D1 जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा, अगर D1 की बात करें तो D1 होता है हमारा D1 इज इक्वल टू D इंटू में 1 प्लस में G हो जाएगा। तो D हमारा कितना था? 2। 1 प्लस में G, 1 प्लस में G, G कितना है हमारा सर? 18%, 0.18। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू में 1.18 यानी 2.36। तो 2.36 हमारा आ जाएगा D1। KE हमें दे रखा है 0.12, माइनस में G दे रखा है 18, 0.18। और हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ ज्यादा नहीं हो सकता आपका, तो ये आ गया हमारा 0.2, 0.02 हो जाएगा ना, 0.2 माइनस में 0.18, 0.02, 2.36 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये आ गया प्राइस हमारा 118। क्वेश्चन कहता है क्या आप इसको खरीदोगे? खरीदने की बात करी थी इसने, नहीं करी थी, बस दोनों चीजें पूछा था, हमने निकाल दिया। देखिए बस इसमें 2 या 3 तरीके के सवाल हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है जो पूछा जाएगा। पहला सवाल आपको 1 साल के लिए, दूसरा सवाल आपको बहुत साल के लिए पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला था, हमने क्या देखा था आपका। इसके बाद तीसरा सवाल जैसे कि बहुत सालों के लिए पूछा जा सकता है, तो उसका हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था PV फैक्टर से। इसके बाद हो सकता है डिविडेंड को बेस मानिए, आपके ग्रोथ है या नहीं है, ग्रोथ नहीं है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर ग्रोथ है तो आपको कॉन्स्टेंट है या मल्टीपल है तो कांस्टेंट में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मल्टीपल वाला एक मैं करके दिखा दूंगा सिंपल, फिर हमारा ये वाला टॉपिक मतलब के ग्रोथ वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम पी रेशो पे सर चैप्टर, हाँ आज कंप्लीट कर देते हैं, CAPM रह गया तो रह गया, नहीं तो आज कंप्लीट कर देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, और कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें मल्टीपल ग्रोथ मिल जाए। 8 पॉइंट, चलो 8.4 ही करते हैं, इसमें मल्टीपल ग्रोथ है। अब ध्यान दीजिए, कहता है LM लिमिटेड शेयरिंग डिविडेंड हैज बीन ग्रोथ रेट 18% पर एनम, ठीक है सर। द ग्रोथ रेट ऑफ द एक्सपेक्टेड कंटिन्यू नेक्स्ट 4 ईयर, 4 सालों तक तो भैया यही रहेगा, एंड देयर आफ्टर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू बी 6%, उसके बाद 6%। तो 2 ग्रोथ आ गए तो मल्टीपल आ गया ना, तो मल्टीपल के केस में टेबल प्लस में फॉर्मूला हम यूज करेंगे। Forever calculate the intrinsic value of the share, required rate of return 15% or dividend has dividend which has been just paid, यानी ये सर ये D0 है, D0 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक PV factor यानी table की help ले लेंगे, table की help ले लेते हैं। चलो year, ईयर के बाद हम डिविडेंड ले लेते हैं, फिर डिविडेंड के बाद ले लेंगे PVF, PVF और फिर हम ले लेंगे कैश फ्लो, कैश फ्लो सर, यानी पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में,
और पांच कहता है कि हमारे 4 साल की बात करें, 4 साल तक, तो हमारा जो पहले साल में डिविडेंड होगा वो क्या होगा सर? 2 रुपए है, तो 2 और इनटू में 1 प्लस में जी, और ग्रोथ रेट कितना चल रहा है? 1.8, तो 0.18 ये आएगा। दूसरे साल में क्या होगा? 2 1 प्लस में 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार ग्रोथ हो गया। तीसरे साल में 2 1 प्लस में 0.18 का तीसरे साल में क्यूब हो जाएगा। 2 चौथे साल में 1 प्लस 0.18 का इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते हैं पहले। तो 1.18 इंटू में 2, 2.36, 1.18 इसको 2 बार कर देंगे इंटू में 2, 2.78, 1.18 इंटू 1.18 इंटू एक बार और करेंगे 1.18, और इसको इंटू कर देंगे फिर से 2 से, तो ये आ जाएगा 3.28, 3.28, 1.18 इंटू में सर के ये 20 है, के 20 किसका पूछ रहे हैं? सही तो दे रखा है आपका, तो 1.18 इंटू में 1.18, 1.18, 1.18 4 बार इंटू कर दिया इंटू में 2, या गया 3.87, 3.87। अब हमें 15% का निकालना है सर। 15% का निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 साल का आ गया 0.869, फिर आ गया हमारा 0.756, फिर आ गया हमारा 0.657, फिर आ गया हमारा 0.571। अब हमें CF निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके एक प्राइस मिलेगा हमें यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं इंटू 3.87, तो ये आ गया 2.21, 0.657 इंटू में 3.28, ये आ गया 0.657 इंटू में 3.28, 2.15। पॉइंट में थोड़ा फर्क हो सकता है आपके, इंटू में 2.78, ये आ गया 2.10, 2.36 इंटू में 0.869, ये आ गया 2.050। प्लस कर दो इनको, 2.050 प्लस 2.10 प्लस में 2.15 प्लस 2.21, ये आ गया 8.51, यानी डिस्काउंटिंग प्राइस आ गया 8.51। ये तो हो गई 4 साल, 4 साल में हमारा प्राइस ये हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है वो एंड टाइम तक फॉरएवर के लिए रहने वाला है आगे डिविडेंड। तो उसके बाद हमारा जो D5 होगा, D1 के बाद D5 होगा, वो क्या होगा हमारा? 3.87 ये वाला इंटू में 1 प्लस जी। अब जी जो होगा उसके बाद वो 6 होगा, तो 0.06, 0.06। तो मैं अगर इसका निकालू 8.3.87 इंटू में 1.06, ये आ गया हमारा 4.1022, ये आ गया हमारा जो कि 5वें साल से डिविडेंट होगा, ये आ गया हमारा जो कि हमारा 5वें साल से डिविडेंट होगा। अब 5वें साल से डिविडेंट, फिर अब कांस्टेंट हो गया डिविडेंट, इसके बाद तो बताओ कांस्टेंट हो गया, यहां तक फ्लैक्चुएट था तो अलग अलग निकाल दिया, इसके बाद तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट डिविडेंट के केस में एक तो हमारा ये प्राइस हो गया, एक हमारा पी जीरो और निकलेगा, क्या निकलेगा सर? डी फाइव, डी वन की जगह डी फाइव, के ई माइनस में जी, और इंटू में क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो पी वी एफ, पी वी एफ आ जाइए। डी फाइव, डी फाइव क्या है? 4.10 डिवाइडेड बाई के ई 15%, तो 0.15 माइनस में जी 0.06, और इसको इंटू में कर देंगे अब कितने से सर? हमारा 5 ईयर है तो 5 ईयर से करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15
एक दो तीन चार पाँच, 0.497, इसको सॉल्व करिए। अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगा, पॉइंट 9 × 0.497 ये आ गया 2.26। एक प्राइस ये है, तो अगर टोटल प्राइस की बात करें तो पी जीरो या आई वी जीरो इज इक्वल टू 8.51 प्लस में 2.26 प्लस 8.51, ये आ गया हमारा 8.51 प्लस 2.26, ये आ गया 10.77 प्राइस। हमारा मार्केट प्राइस ये निकल के आ गया, जो पूछा था हमारा मार्केट प्राइस क्या होगा तो निकल के आ गया। शायद यहाँ पे मुझे गड़बड़ हो गई, 09 है ना, 009 होगा, 4.10 ये 45 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 45 और 1 और ये आएगा हमारा 571 45 × 0.5 ₹25 आ जाएगा, ₹25 ₹695 प्राइस थोड़े से अलग हो जाएंगे, प्लस 8.51 ये आ गया ₹34.205। दोबारा देखते हैं, फिर से पहले एक बार समझ लेते हैं। सर यहां पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन क्या है, प्राइस गिवन होगा तो वहां पे एक साल के लिए होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर एक साल से ज्यादा के लिए होगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बेस पे, तो अगर ग्रोथ ही नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना है, कांस्टेंट ग्रोथ है तो ये फॉर्मूला लगाना है, मल्टीपल ग्रोथ है तो एक तरीके से कांस्टेंट वाला भी यहाँ फॉर्मूला आ जाता है, तो वहां पे पीवीएफ फैक्टर प्लस में टेबल, तो जो हमारा पहला होगा वो टेबल में गया और बाकी जो कांस्टेंट वाला हो गया उसके अंदर फॉर्मूला पीवीएफ फैक्टर से हमने कर दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपके सामने जहां पे हमने सिंपल वाला किया, फिर हमने देखा क्या जब हमारा 2 साल का हो, फिर हमने देखा यहाँ पे जब आपका कांस्टेंट ग्रोथ हो और आपका आगे हो, और फिर हमने देखा मल्टीपल ग्रोथ। हमने 3 टाइप के बेसिकली इसके अंदर थे और ये तीनों टाइप के मैंने क्वेश्चंस करे हैं, एक क्वेश्चन आपको और भी करने के दिया जाएगा। पहले यहां तक बताइए सबको समझ में आया, और भी क्वेश्चन दें आपको करने के लिए, रुक जाइए। और एक सवाल दें, ये रहा 8.5, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कंपनी अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट 8%, यानी हमारा जी जो है 18% है, सॉरी फॉर फर्स्ट 4 ईयर, मेरे को लग रहा है सेम तो नहीं है, 4 ईयर एंड नेक्स्ट 4 ईयर ग्रोथ विल बी 12%, यानी जी हमारे फिर से 12% हो गया, ये हमारा पहले 1 से लेके 4 तक है और फिर हमारा नेक्स्ट 4 ईयर 4 से मतलब 8 तक मान के चलो, देयर आफ्टर कंपनी ग्रोथ रेट 6%, उसके बाद हमारा जो जी है वो फॉर एवर के लिए 6% हो जाएगा। तो हमें टेबल में यहां तक के वैल्यू को पुट करना होगा, यानी हमें देखा जाए तो 8 साल तक को टेबल में पुट करना होगा, फॉर एवर से तो हमारा अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेबल में हमें कहां तक पुट करना होगा, सर D8 तक का हमें पुट करके चलना होगा। आगे क्या कहता है, द मोस्ट रीसेंट ईपीएस रिसेंटली 4 रुपए का था
एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, तो जो डी जीरो है वो है ₹2। कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब डिविडेंड ले लेते हैं। पहले कितना है हमारा? पहले 4 साल तक 18%, तो हम लेंगे सर डी कितना है? 2 है, तो 2 × 1 + 0.18, ठीक है। दूसरे में 1 + 0.18 का स्क्वायर, तीसरे में 2 × 1 + 0.18 का क्यूब, चौथे में 2 × 1 + 0.18 का 4, पांचवे साल से 12% हो गया, तो 2 × में, या फिर जो इसका आंसर आएगा यहां से लेके चलेंगे। पहले हम 4 साल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू बढ़ जाएंगे। पहले हम 4 साल निकाल लेते हैं सर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नीचे जो पार्ट सॉल्व यह है वो समझा दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस में। ओके, अभी मैं वापस जाऊंगा, पहले यहां तक फटाफट आप भी निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। अभी पीछे ही किया है, करें कैलकुलेटर। तो आप ध्यान से देखो, 2 × में 1.18, मैं फटाफट से कर देता हूं, 2.36, 1.18 × 2 × 2, 2.78, 1.18, तीन बार करना है, 1, 2, 3 × में 2, ये आगे 3.28। अब आगे चलना है, 1.18 चार बार करना है, 1, 1, 2 हो गए, 3, 4 × 2, 3.87, 3.88। कैसे करना है? 4 बार 5 बार मैं बता देता हूँ। जैसे 1.18 किया, 1 बार मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आप करते रह सकते हो जितने भी चाहिए। अब अगली बार जो ग्रोथ लगेगा वो इस पे लगेगा, क्योंकि रेट चेंज हो गया। तो अब 3.88 इसके ऊपर ग्रोथ लगे 1.0.12, ठीक है ना, पहला ग्रोथ जो लगेगा। उसके बाद लगेगा हमारा दूसरे साल भी लगेगा, तो 3.88 1 + 0.12 का स्क्वायर, फिर 3.88 1 + 0.12 का क्यूब, फिर 3.88 1 + 0.12 का 4, यहां तक रहेगा। उसके बाद कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट में तो हम अलग से निकाल लेंगे, 1.12 × में 3.88, ये आ गया 4.34, 1.12 × 3.88, ये आ गया 4.86। अगला 1.12 तीन बार है, तो 1 बार 2 बार, 1 हो गया, जैसे 1.12, 1 तो हो गया, 2 और 3 × में 3.88 = 4.51। इसके बाद 1.12 2, 3, 4 × में 3.88 6.10। पहले यहां तक देख लीजिए आप, 6.10 3.87 6.10। अब इसका पीवीए फैक्टर निकाल लीजिए, किसका सर? 15 का।
15 के निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 एक, 0.86 दो, 0.756 तीन, 0.65 0.571 0.497 0.432 0.375 0.326। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है तो इसके लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। 86 इंटू में 2.36 ये आ गया 2.02, 0.756 इंटू में 2.78 ये आ गया 2.10। PVF गलत निकाला है, G18 है, जी से मतलब नहीं है ना, हम जो PVF निकालते हैं ना ये निकालते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। G18 है फर्स्ट फोर ईयर में, उससे मतलब नहीं है, PVF जो निकलेगा वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से निकालेंगे। देखो पीछे भी क्वेश्चन किया ना, यहाँ पे भी देखो आपका 18 था लेकिन मैंने 15 से निकाला, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से निकालेंगे। 0.5657 इंटू में 3.28, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2.154 3.88 इंटू 0.57 2.21 0.497 4.34 2.15 0.432 इंटू 4.86 2.09 0.375 5.451 2.04 0.326 0.326 0.610 6.10 0.326 1.988। अब इनको प्लस कर दो तो 2.02 2.1 2.15 2.21 2.15 2.09 2.04 1.98 ये आ गया 16.74। अब उसके बाद फॉरएवर के लिए 6% दे रखा है, तो जब फॉरएवर के लिए 6% है उसके लिए हम KE वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ये जो P0 बनेगा वो बनेगा हमारा D9 डिवाइडेड बाई KE माइनस में G इंटू में PVF जो कि 15% का है। तो यहां अगर इसको निकाले तो D9 क्या बनेगा, जो लास्ट में D था उसके ऊपर हमें 6% लगाना है, तो D9 P0 इज इक्वल टू हमारा D9 बनने वाला है 6.10 इंटू में 1 प्लस में 0.06, ये तो D9 हो गया, डिवाइडेड बाई KE 0.15 माइनस में 0.06 इंटू में आपको कितने साल का चाहिए सर, ये 9th का चाहिए, मतलब जितने साल हो चुके तो इसका आएगा 0.326। इसको सॉल्व करिए तो 6.10 इंटू में 1.06 तो ये आ गया 6. डिवाइडेड बाई 0.09 और इंटू में 0.326 तो ये आ गया हमारा 23 रुपये 23 रुपये 42 पैसे। अब टोटल प्राइस कैसे निकालोगे सर, सिंपल सा फंडा है। इसमें कुछ चीज़ें ना आपको जैसे कि समझाने बैठूँ तो वो मैथमेटिक्स की बात आ जाती है, हमें कब क्या लगाना है बस ये बताना चाहिए। तो हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू क्या आएगा सर, एक तो हमारा 16.97 प्लस में 23.42 16.97 ये आ गया 40 रुपये 40.3 अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा 40.3 या 3 जो भी आ जाएगा।
देखिए अब इसमें यहां तक क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन बनता था ये हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था कि वैल्यूएशन शेयर एज पर द वॉल्टर मॉडल जिसका फॉर्मूला ये था और इससे रिलेटेड कब कब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, और हमने एक ये वाला क्वेश्चन था 8.6 ये कर लिया। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, अगर सवाल को देखोगे तो हम सीक्वेंस में लेके ही चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें, तो देखोगे अगर ध्यान से तो 3 के बाद फिर हमने 4 किया, फिर हमने 5 किया, फिर हमने इसके बाद 6 किया, अब हम 7वां करेंगे। 7वां से हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है 7 से, तो हम यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं। सर क्या चेंज होता है? सर यहां से वॉल्टर मॉडल के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है आपके बुक में प्राइस अर्निंग मॉडल, करंट प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो मॉडल। तो हमारा एक्सपेक्टेड पीई पीई प्राइस अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग का मतलब क्या है कि हम मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए कितने हम पैसे कमाएंगे। तो प्राइस अर्निंग के आपने डिविडेंड में वैसे हालांकि करा हुआ है, फॉर्मूला है करंट प्राइस मोस्ट रीसेंट प्राइस। क्वेश्चन में सब गिवन होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? ईपीएस। अब पी रेशियो क्या होता है? ये होता है हमारा ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, जो करंट प्राइस चल रहा होगा, जिसे पी वन भी बोल सकते हैं। हालांकि इस पे से बहुत कम क्वेश्चंस होता है, मेनली होगा विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ। तो एक ही क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखा है जो बड़ा छुटकू सा क्वेश्चन है, 8.7 ये देख लीजिए। कहता है द एक्सपेक्टेड ईपीएस ऑफ द कंपनी, आपका ईपीएस दे दिया 6, द इंडस्ट्री पी रेशो 13-15, और जो पी रेशो है वो 13-15 हो सकता हो गया है। द कंपनी हैज हाई ग्रोथ स्टेज, व्हाट द बेस्ट एस्टिमेटेड कंपनी शेयर प्राइस शुड द शेयर परचेज, बेस्ट प्राइस क्या होगा और कंपनी को शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चैप्टर 8 विच चैप्टर? चैप्टर 8 ठीक है। तो अब यहां पे 13-15 है, मैक्सिमम ग्रोथ कितना जा रहा है 15। तो अब ईपीएस का आपका पी दे रखा है, आपसे क्या पूछा है प्राइस, फॉर्मूला क्या कहता है। अगर पी रेशियो दे रखा है तो ईपीएस दे रखा हो, प्राइस आप निकाल लोगे इन दोनों को करके, ठीक है ना। तो सर फॉर्मूला क्या है सर, यानी अगर हमें प्राइस निकालना हो तो प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपीएस इनटू में पीई पीई रेशियो। सिंपल सा है ये, तो इसमें क्या बताऊं मैं, दैट इज 90। ये तो एक बस औपचारिक था जो कि कर दिया मैंने, ठीक है, इसमें इतने ज्यादा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, ये सारा मिक्स करके लास्ट टॉपिक है। एक आपका सीएपीएम मॉडल भी है आरएफ वाला, लास्ट टॉपिक देखिए। यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी द मोस्ट रीसेंट प्राइस, रीसेंट प्राइस दे दिया, एनुअल ग्रोथ विच रिमेन फॉर एवर के लिए 6% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 50%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये दे रखा है, आफ्टर 5 ईयर पीई रेशियो दे रखा है 12.5 पीई रेशियो दे रखा है, द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर प्रेजेंट, हमें इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ईपीएस जो दे रखा है हमें, मोस्ट रिसेंट ईपीएस, इसका 50% हम डिविडेंड पे करेंगे। इसका कितने परसेंट डिविडेंड पे करेंगे, 50%,
तो आपका क्या फॉर्मूला बनता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परसेंट वैल्यू शेयर्स। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर है 8.8 मेरी बुक में। या पहले थोड़ा सा समझा दें इसको, अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने दीजिए, इसमें गॉर्डन मॉडल लग जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन पीपीएम फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? एक फर्म का डिविडेंड है, अभी कराया मैंने, बताओ। वैसे होमवर्क में होना चाहिए। कहता है फर्म का डिविडेंड है 8 पर शेयर एंड द फेस वैल्यू ऑफ 10। डिविडेंड 8 है, फेस वैल्यू 10 है, द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5 है, द कंपनी बिलोंग्स टू द जो कैपिटलाइजेशन रेट रिक्वायर्ड रेट 12 है, व्हाट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगा शेयर का? व्हाट विड बी द वैल्यू डिफरेंट क्लास, अगर हमारा डिफरेंट हो जाए रिस्क 12 से 15 हो जाए। तो सर यहां पे देखा जाए तो क्या फॉर्मूला लगाओगे सर? P0 D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस में G। D1 कितना दे रहा है आपको? डिविडेंड दिया या नहीं दिया? सर कहता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ दे दिया। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 5% पर एंड कंपनी ग्रोथ 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 डिविडेंड पेड डिविडेंड 8 है। फर्म The firm paid dividend 8. अब कहता है firm paid a dividend 8, तो ये D0 है, हमें चाहिए D1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 0.5 डिवाइडेड बाई KE 12% 0.12 माइनस में ग्रोथ 0.05। सॉल्व करिए इसको, आपके बुक का प्रैक्टिकल वन। तो ये क्या आ रहा है सॉल्व करके? 8 में 1.05 डिवाइडेड बाय 7.07 120। अगर ये 15% कर दो तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जहां पे हमने 12 लगाया उसको 15। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? पढ़ लो। कहता इक्विटी है, करंटली सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, करंटली सेलिंग प्राइस यानी P0 है, द कंपनी एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड 3 आफ्टर 1 ईयर यानी आपको ये D1 दे दिया, विच ग्रोथ 8% है, G दे दिया, फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अभी फाइंड भी किया था, तो ये होमवर्क में है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? सिंपल फॉर्मूला तो वही लगना है हमारा, बस जहां पे आपको रेट ऑफ रिटर्न है वहां खाली छोड़ दोगे और उसके हिसाब से हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कौन सा करा था सर। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन किया था, कैपिटलाइजेशन रेट निकाला था, सेम वैसे हो जाएगा। 8.3 ये भी होमवर्क पढ़ लो। अ फर्म पेड डिविडेंड, पेड है, D0 है, द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट डिविडेंड ऑफ द कंपनी 5%, ये जी दे दिया, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर गिवन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15, ये आपका के ई हो गया, व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द ग्रोथ रेट अगर 8% पे हो और 3% पे हो। तो सिंपल हो जाएगा ये होमवर्क में, बताइए हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा नहीं होगा बताइए फटाफट। हो जाएगा ये? अलग अलग करना है आपको, मैं एक करके दिखाऊं तो सर P0 फिर से निकल जाएगा हमारा क्या? D, क्योंकि पेड कह रखा है, 1 प्लस जी के माइनस में G। D क्या दे रखा है सर? D D D 2
वन प्लस जी ग्रोथ रेट क्या कहता है, द कंपनी डिविडेंड ग्रोथ 5% वन प्लस में 0.505 डिवाइडेड बाई के ई, क्या बोल रहा है भैया, के ई क्या मान लो 15, 0.155 माइनस में जी क्या कह रहा है सर 0.05, सॉल्व कर लीजिए इसको पहले साल का। फिर कह रहा है कि भैया आप एक काम करो जी 8 मान लो, फिर कह रहा है आप एक काम करो जी 3 मान लो, ठीक है ये कर लिया था। अब फर्म करंटली पेइंग डिविडेंड, अब जब पेइंग वर्ड होता है ना तो ये D1 ही हो जाता है लगभग लगभग, अजम्पशन लेना होता है। द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5% फॉर फर्स्ट 5 ईयर 10% ईयर आफ्टर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15। तो यहां पे क्या करोगे, PVF से निकालोगे जो टेबल होगा और टेबल की हेल्प लेके निकालोगे, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। ये भी होमवर्क 9। ये वॉल्टर मॉडल है, ये नहीं करना अभी। ये भी होमवर्क, होमवर्क के क्वेश्चन पिछले भी वीडियो बनाए नहीं है मैंने, अभी वो बना दूंगा, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे। ये अभी नहीं करना, बस अभी इतना ही होमवर्क देते हैं आपको। हाँ जी स्टूडेंट, कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे हमारे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, आज सारे के सारे लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जो होमवर्क दिया था कोशिश करेंगे कि उसको भी हम कर लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, हालांकि इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं जो सिंपल तरीका लेके चल रहा हूं उसी से मैं करूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहता है यू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी द मोस्ट एक्सपेक्टेड ईपीएस, सर आपको ईपीएस दे दिया, ईपीएस होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। सर अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है जितना कंपनी ने शेयर्स पे पैसा कमाया, दैट इज अ ईपीएस। इसमें से दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा रिटेन अर्निंग हो जाता है और एक हिस्सा डिविडेंड में बढ़ जाता है, ठीक है। आगे कहता है एनुअल ग्रोथ ऑफ द कंपनी विच रिमेन फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए कंपनी का ग्रोथ 6% रहने वाला है, तो ग्रोथ कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वाले का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, पी जीरो का, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय के ई या आर ई माइनस में जी, आपको याद होगा, यही हम फॉर्मूला को फॉलो भी कर रहे हैं और इसी को हम लिख भी रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, पे आउट रेशो 50%, मतलब जो डिविडेंड हम पे करते हैं, जो डिविडेंड पे करेंगे, अब बताओ सबसे पहले ये वाला जो ईपीएस है ना वो रीसेंट, मोस्ट रीसेंट यानी पिछले अभी पुराना है, तो अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो 1.89 इसका मैं 50% पेमेंट करूंगा, दैट इज डिविडेंड होगा। तो अगर मैं डी जीरो होगा, ये बेसिकली डी जीरो 1.89 इंटू में 50%, तो दैट इज आपका आएगा यहाँ पे 0.945, ये आपका डी जीरो है। तो यहां पे देखा जाए तो आपका डी जीरो है, तो डी वन बना लेंगे, कैसे निकालेंगे डी वन, 0.945 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस जी कर देंगे जो कि 0.06 है, ठीक है। ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया, डी वन आ गया। ये के ई क्वेश्चन में दे रखा है 10, तो आपका 0.1 हो गया, माइनस में आपका ग्रोथ रेट कर देते हैं 0.006, तो सॉल्व करते हैं इनटू में 1.06 डिवाइडेड बाय 0.04, तो दैट इज 25.4 आ गया, ये आ गया हमारा 25.0425, ये प्राइस आ गया हमारा एक, तो ठीक है। इसको ना एक हम देखा जाए तो एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बुक में कई बार आप देखोगे तो वहां पे आप थोड़ा सा सोचोगे कि कैसे होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज ई वन माइनस में बी, ई वन माइनस में बी, वन माइनस में बी वही हो गया कि एक में से आप रिटेंशन रेशो को माइनस कर दो तो डीपी रेशो आ जाएगा ये,
और ई मतलब इक्विटी हो गया। बात वही है जो मैंने ऊपर किया है वो वही बात है, और नीचे सेम हमारा फॉर्मूला रह जाएगा। सर क्या रह जाएगा हमारा नीचे? के ई माइनस में जी, के ई माइनस में जी। यानी एक ये भी फॉर्मूला कई बार आप यूज होते हुए देखोगे, जो कि मैं पहले बता रहा हूं आपकी किताब में गिवन है। और इस फॉर्मूले का मतलब है एक ही। अब कुछ समझने का फेर है, मैं समझा देता हूं। देखो ई अभी मैंने करा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करा है 50% से, यही तो किया है मैंने। और अगर मैं एक में से बी का मतलब है, यहां पे बी का मतलब है रिटेंशन रेशो। अब सर रिटेंशन रेशियो का मतलब अगर आपका डीपी रेशियो 50 है तो अगर एक में से 0.5 माइनस कर दोगे तो रिटेंशन रेशियो भी 50% आ जाएगा। तो उसके हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा। जब मैं कहूंगा आप यही फॉलो करिए, दूसरे फॉर्मूले पे ना जाइए, ठीक है? दूसरे फॉर्मूले पे ना जाइए। हाँ अब अगले पार्ट पे चलते हैं सर। अगला पार्ट क्या कहता है? यू आर रिक्वायर्ड रेट After 5 year expected PE 12.5 हो जाएगा। मतलब 5 साल के बाद जो हमारा PE ratio हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 का 5 साल बाद। तो इसका मतलब हम 5 साल के बाद यानी छठे साल में, कहता है after the 5 year यानी 6 year में जाके हमारा हो जाएगा 12.5। आपको intrinsic value निकालना है share का present में, जो कि मैंने निकाल दिया। इसके बाद द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस एंड ऑफ द 5 year, 5 साल के बाद यानी छठवे साल की बात कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, छठे साल का कैसे निकालेंगे? मुझे पहले इसका निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारा क्या है 0.0945, अब ग्रोथ लगाना है इसमें तो 1+ में 0.06, और इसका 6 बार ग्रोथ लगेगा तब जाके मुझे यहाँ पे डिविडेंड पता चलेगा। कितनी बार ग्रोथ लगाना होगा? 6 बार, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर यानी 6 ईयर हो जाता है। तो अगर 1.06 इंटू में, अगर मैं 1.06 इंटू में 6 बार करूंगा, जैसे एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0945, तो ये जवाब आएगा मेरा 0.130, ये जवाब आएगा 0.130। ये वाला फॉर्मूला जो आप पूछ रहे हो ना, ये फॉर्मूला आपका सेम वही फॉर्मूला है जो ऊपर वाला। पहले यहां तक बता दो आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहां तक बता दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया, तो एक तो ये हो गया, तो इससे जो प्राइस निकल के आया वो निकल के आया 0.1340, मैंने एक ले लिया ये अंदाजा। पी रेशो क्या कहता है? पीई रेशो कहता है प्राइस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है? अब हमें एक तो मार्केट प्राइस पता चल चुका है, तो इसको मल्टीप्लाई करूं, अगर मुझे मार्केट प्राइस ही निकालना है तो मार्केट प्राइस यहां रख दे, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर ईपीएस इनटू में पीई रेशियो। तो ईपीएस क्या है सर? अर्निंग पर शेयर हमारा जो निकल के आया, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, मैंने डीपीएस निकाल दिया, अर्निंग पर शेयर निकालना होगा। मैंने बिल्कुल सही करा, लेकिन बस फर्क इतना रह गया कि मुझे क्या करना है, यहां पे मैं ये नहीं लेना, मुझे अर्निंग लेना है। क्योंकि 5 साल बाद जब आप अर्निंग देखोगे ना, 6 साल बाद, तो वो 6 साल बाद अर्निंग भी तो बढ़ेगी। अभी कितनी अर्निंग है भाई साहब? अभी है 1.89, ये तो अभी है। उसके बाद 5 सालों के बाद चेक करोगे तो इनटू करोगे तो 1.06, ए दो हो गए, 3, 4, 5, 6 इनटू में 1.89, ये आ गया हमारा 2.681, 2 मान सकते हो। ईपीएस दे रखा है 12, तो अगर हमें प्राइस निकालना है तो 12.5 इंटू में 2.681 इंटू में 12.5, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ये आ गया 33 रुपए। प्राइस क्या आ गया? 33 रुपीज। हमारा P0 क्या आ गया? 33 रुपीज। सर अब यहां पे क्वेश्चन आता है, सर इसको 6 से, क्योंकि 6 साल बाद निकाल रहे हो तो हर अर्निंग में ग्रोथ लगता जाएगा, तो इसलिए 6 साल निकाला है। क्वेश्चन पूछता है क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया। वैसे तो 33 रुपए 51 पैसे आ रहा है, मैं पॉइंट में ले रहा था, 33 रुपए 51 पैसे प्राइस हमारा
आ गया लगभग लगभग 51, मैंने पूरा लिया है, 40 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है। द मैक्सिमम प्राइस विच इन्वेस्टर टू बाय दिस शेयर, भैया मैक्सिमम प्राइस कितना देना चाहेगा इन्वेस्टर, ये देना चाहेगा 25 रुपए, 33 रुपए थोड़ी ना देगा मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि 6 साल के बाद नहीं देख रहे, आज इन्वेस्टर लगाएगा तो दैट इज आपका ये 25 रुपए। तो ये क्वेश्चन आपका था जिसको हमने कर लिया। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दें आप फटाफट से, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर अगला क्वेश्चन है हमारा CAPM, CAPM मॉडल, उस मॉडल को करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, अगला है CAPM, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी मैं फटाफट निपटा दूंगा। बड़े आसान आसान सवाल हैं सर, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्यों फॉलो कर रहे हैं, चलिए आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A company is expected to pay dividend ₹2, expected to pay यानी D1 ₹2 दे दिया, with expected growth rate यानी GV दे दिया 6%, the risk free return, यहाँ पे RF आ गया risk free return, आप सभी को पता है risk free return क्या होता है, जिसके अंदर कोई risk नहीं होता, जैसे कि bond में पैसा लगाना risk free return है। और market का return क्या है सर, RF के जगह पे हमारा जो रिटर्न ऑन मार्केट आरएम क्या है सर, आरएम बता रहा है सर आपका होगा 14%, यानी मार्केट में रिस्क चल रहा है 14%। प्रेजेंटली कंपनी हैड टू द बीटा 1.2, कंपनी का जो बीटा है 1.2 है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड इंक्रीज 1.5, अगर ऐसा हो सकता है कि 1.5 तक इंक्रीज हो सकता है, तो 1 के बाद जितना भी ज्यादा बीटा होगा वो उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्चुएटिंग होगा शेयर प्राइस में, मतलब वॉलेटाइल हो जाएगा बहुत ज्यादा। Is the change in the management policy beneficial exchange investor? तो सर फॉर्मूला वही लगेगा कि पॉलिसी यानी प्राइस ही बताना है, तो हमारा पी का तो फॉर्मूला क्या है सर, पी जीरो बोल लो, इंट्रेंसिक वैल्यू बोल लो, क्या होगा सर, डी वन दे रखा है और के ई माइनस में जी, के ई का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या रिटर्न कमाए। तो बहुत सारे जगह पे ये बोला जाता है कि हमें क्या रिटर्न कमाना चाहिए और क्या रिटर्न होना चाहिए, तो बहुत सीधी बात है, कई बार हम रिटर्न अंदाजा लगाते रह जाते हैं लेकिन लगता नहीं, तो आपका कहना होता है सर कोई ऐसा सटीक फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम पता कर ले कि इतना होना चाहिए। तो जो हमारा CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल जो बताता है हमें, हमें एक परसेंटेज निकालना बताता है कि हमें इतना रिटर्न चाहिए, और उस परसेंटेज को निकालने के लिए इनका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से ये निकाल पाते हैं कि हमारा क्या परसेंटेज होना चाहिए, यानी के ई निकालने को बताएंगे, आर ई बता बोल सकते हो, तो के ई क्या बताएगा सर, के ई इज इक्वल टू आर एफ इंटू में प्लस इंटू में आर एम माइनस में आर एफ इंटू में बीटा। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल पाएंगे कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका के ई क्या होना चाहिए, बस आप ये निकाल पाओगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या के ई निकाल पाओगे, तो मेरे वाले सवाल के अंदर के ई पहले निकालना पड़ेगा इसके अंदर पुट करने के लिए। तो आर एफ कितना है, 4 प्लस 4% का मतलब 0.04 प्लस, या फिर मैं पूरा पूरा ले लूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, 4 प्लस आर एम कितना है हमारा सर, जो मार्केट का रेट दे रखा था सर, दैट इज 14 मैंने इसमें 4 और इनटू में बीटा, बीटा कितना है 1.2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हालांकि 10 × 4, वह हालांकि देखा जाए तो मुझे पॉइंट में रखना चाहिए, नहीं तो क्योंकि बीटा जो है वो पॉइंट में है, तो 0.01 माइनस में 0.4, तो 0.1 माइनस में 0.4 इनटू में 1.2 और प्लस में 0.04, तो ये आ गया इनटू में 100, तो ये आ गया हमारा 11.2, यानी साहब 11.2% हमारा के ई होना चाहिए। क्या के ई होना चाहिए सर, 11.2% आपका के ई जो होना चाहिए, 11.2%, मैंने 1.2 बीटा लिया है और 14% है, मैंने 10 ले लिया है, ये 14% है, 0.14 है, 0.14, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो 12 इंटू में 4 16% आएगा ये।
सर ये आएगा 16%, ठीक है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आएगा 16%। अब प्राइस निकाल ले लिए, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू कह लो, पी जीरो कह लो, प्राइस निकाल लो। डी वन, डी वन दे रखा है 2, के 0.16, माइनस में जी 0.06, तो आपका ये प्राइस निकल के आ जाएगा, दैट इज आपका प्राइस निकल के आ जाएगा 2/0.1, 20 रुपए। सर आपका प्राइस निकल के आ गया 20 रुपए। तो के सी ए पी एम क्या बताता है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब कहता है भैया अगर बीटा चेंज हो जाए, बीटा अगर आपका चेंज हो जाए, बीटा कितना हो जाए, 1.5, तब भी क्या सेम ही रहेगा सवाल? नहीं जी, फिर आपको के ई नया निकालना पड़ेगा। तो के ई मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, न्यू के ई निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला वही रखे रहेंगे, बस बीटा चेंज हो जाएगा। तो 0.04 प्लस में 0.14 माइनस में 0.06 और बस इंटू में जो कर रहे थे 1.2, उसके जगह पे 1.5, तो 15 × 4 जीरो हो रही है इंटू 1.5 प्लस 0.04, ये आ गया 19%। 19%, अब 19% के हिसाब से रेट अलग तय होगा, यानी पी जीरो इज इक्वल टू 2/2 आपका जी 19%, 0.19 माइनस में 0.06, तो 196, 0.19 माइनस 0.06 13 आ गया, 2/0.13, तो ये आ गया 15 रुपये 38 पैसे, 15 रुपये 38 पैसे। ये सभी जो हम तरकीब सीख रहे थे ना अभी तक, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सीख रहे थे कि हम किस तरीके से फाइंड कर पाए एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक हमारा ये बीटा। तो ये ओवरऑल जितने भी आपके इलस्ट्रेशन थे वो खत्म हो गए। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से टेक केयर किया जाए। तो चलिए इसके बाद हम तो हाँ जी स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कह लो, ये प्रॉब्लम दे रखा है इसके अंदर। एक तो समझ में नहीं आता इलस्ट्रेशन, फिर प्रॉब्लम, फिर बुक का कुछ था नहीं, बुक मार्केट में एक ही था, और अब मान के चलो ये फंडामेंटल तो भैया लास्ट ही है, और किसी सेमेस्टर में तो दे नहीं रहे, शायद सिलेबस थोड़ा चेंज हो तो मिल जाए। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर ऑफ द आपका गैस लिमिटेड आर करेंटली सेलिंग 60, सेलिंग कितने पे हमारा 60, और द कंपनी इज एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड, यानी हमें यहाँ पी जीरो दे दिया इसने, करेंटली सेलिंग 60 पे, और एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड यानी हमें डी वन दे दिया। सर डी वन दे दिया हमें कितने का, 3 रुपए का, आफ्टर वन ईयर विद द ग्रोथ रेट 8%, यानी जी दे दिया 8%, ठीक है ना, समझना। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्या होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम क्या निकालते हैं सर, करंट प्राइस कह लो, पी जीरो कह लो, तो हम क्या निकालते हैं, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस में जी, हमसे के ई पूछ रहा है सवाल में, तो के ई पूछने का मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इधर उधर सॉल्व करें, तो आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला बना लूं, तो सर जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं सीधा सीधा रख ही देता हूँ ना, 60 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय के ई माइनस में 0.08। अब 60 को इससे मल्टीप्लाई करो, 60 के ई माइनस में 6.8, तो 48 आ जाएगा, 8% है ना, तो 8 × 48 ही होना चाहिए, 60 इंटू में 8%, 4.8 होगा, 60 × 0.8 इज इक्वल टू 3। अब इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 7.8 हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाय कर देते हैं, 7.8 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100, तो दैट इज 13% आ गया, ये 13% आ गया, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला जाए, आप ध्यान से देखो, तो क्या हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, अब के ई डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पे अगर हम ऑल्टरनेट कोई फॉर्मूला अगर बनाना चाहे ऑल्टरनेट, तो बन सकता है हमारा क्या सर, हमारा बन सकता है डिवाइडेड बाय पी जीरो, और इंटू में क्या हो गया सर, हमारा इंटू हमने करा है इसको जी से करा है, बेसिकली जी से, तो हमने करा है
डी प्लस में पी जीरो इनटू में जी, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया है। तो अगर आप इसको करोगे तब भी आपका जो है के निकल के आ जाएगा, हालांकि वैसे फॉर्मूले से लेके चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमने कर लिया था लगभग, ठीक है, ये होमवर्क में दिया था और होपफुली आपने ये कर लिया हो, अलग अलग रेट का था। फिर भी कोई डाउट होता है तो बताना, ये भी हो चुका है। अब आपका है फर्म का, तो इसको बता दे। हालांकि बहुत सारे सवाल इस टाइप के कर रखे हैं, मैं समझा देता हूं फिर भी धीरे धीरे। आप फर्म करंटली पेइंग, पेइंग होता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको डी वन मानिए, डी जीरो दिक्कत होती है, तो मैं डी वन ही मान लेता हूं। दो, द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, जी दे दिया क्वेश्चन में, दैट इज 5%, है ना। फर्स्ट फाइव ईयर यानी सर एक से लेके पांच सालों तक जो आपका ग्रोथ रहने वाला है, दैट इज आपका रहेगा 10%, और देयर आफ्टर 10% फर्स्ट 5% रहेगा इस तक, देयर आफ्टर 10 बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक रहेगा 5% और उसके बाद जितना भी साल जाएगा सब पे 10% लगने वाला है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स का वैल्यू करना है अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो सिंपल सा है, पहले हम पांच सालों का टेटर टेबल बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5। डिविडेंड कितना दे रखा है, 2, तो 2 1 प्लस में, अगर D1 मान रहे तो ठीक है, नहीं तो 1 प्लस D0 ही मान लो, हटाओ इसमें, तो ये अजम्पशन लेके लिख देना। तो हमारा 5% है तो 0.05, इसके बाद क्या है, 2 1 प्लस में 0.05 का स्क्वायर, फिर आपका 2 1 प्लस में 0.05 का क्यूब, 2 1 प्लस में 0.05 का 2, 1 प्लस में 0.05 का 5, ये वैल्यू एक हमें निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी निकल के। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं PVF टेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 15% है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 इंटू में 1.05, ये 2.1 आ गया, 1.05 इंटू इंटू में 2, ये आ गया 2.20, 1.05, 2, 3 इंटू 2, ये आ गया 2.31, 1.05। मैं कुछ पॉइंट्स को अलग भी, 1, 2 हो गए, 1 था 2, 3, 4 इंटू में 2, 2.43, 1.05, 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 2, 2.55, ठीक है। पीवीएफ निकालोगे 1 डिवाइडेड 1.15, पहले साल का 0.86, दूसरे साल का 0.75, तीसरे साल का 0.65, चौथे साल का 0.57, पांचवे साल का 0.49। तो मेरे हिसाब से आपको याद तो होगा ही कि हमें क्या करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके हमें एक रेट निकाल लेना है ना, हमें मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल लेना है, एक अमाउंट। तो जैसे 2.1 इंटू में 0.86, और बाकी के सारे सवाल आपको ही दूंगा करने को, यहां बस मैं कर देता हूं, ये लास्ट है 1.0.6, 0.75 into 2.2, 1.65, 0.65, 2.31, 1.50, 0.57 into 2.43, 1.38, 1.24, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 1.38, 1.50, 1.65, 1.06, ये आ गया 6.83, ठीक है। अब पॉइंट में हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ एरर हो गया हो, तो वो कह नहीं सकते। अब हमारा ये D5 है, उसके बाद D6 होगा हमारा, तो
डी सिक्स क्या हो जाएगा, 2.55, 2.55 प्लस आपका 1 प्लस में 0 पॉइंट, अब 10% के रेट से बढ़ेगा फिर 1, ठीक है, इनटू में ये डिवाइडेड बाय के ई 0.15 इनटू में जो फिफ्थ ईयर का होगा हमारा 0.49, ये एक अमाउंट निकल के आएगा। तो 2.55 इनटू 1.1 डिवाइडेड 0.15 इनटू में 0.49, ये आ गया 9.16। जो प्राइस आएगा वो आएगा 6.83 और प्लस में 9.16, 6.83 ये आ गया 15.99, और कह सकते हो 16। एक मिनट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8.5। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा क्या आ रहा है। टू वन 27 7.69 वो पॉइंट्स में कुछ फर्क आ रहा होगा। अच्छा एक गड़बड़ हो गया, माइनस में जी तो किया ही नहीं, 0.01 ये बस मिस्टेक्स है, बाकी कुछ नहीं है, ये गड़बड़ हो गई बस। चलो मैं माइनस कर देता हूँ 1, तो 2.55 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू में 0.49, ये 27 पॉइंट आ गया। तो 27 आंसर में फर्क इसलिए आएगा क्योंकि मैंने जगह जगह पे क्या किया हुआ है, अलग अलग किया, प्लस 6.83 पॉइंट में मैंने बहुत छोड़ा है इसलिए। तो 34 रुपए 39 पैसे आ जाएंगे, 34 रुपए के आसपास, यानी 35 रुपए 34 रुपए आ सकता है प्राइस। चलिए कुछ आगे सवाल पे देखते हैं, जो इजी सवाल है वो कर लेंगे, ठीक है। अभी तक जितने सवाल किए जो बिल्कुल आसान से सवाल है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर सारे सवाल बता दो, तो जो बिल्कुल आसान सवाल है वो आपको खुद करना होगा। जैसे मिस्टर आपका आपका जो है नंदा वांट्स टू द कंपनी दैट हैव जस्ट गिवन द करंट डिविडेंड, यानी सर ये तो डी जीरो है, जस्ट हैड करंट डिविडेंड, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 20% फॉर 10 ईयर, यानी हमारे 10 साल के लिए 10 ईयर के लिए हमारा कितने ग्रोथ रेट लगेगा, 20% लगेगा, एंड 8% देयर आफ्टर, उसके बाद आफ्टर हमारा कितना होगा सर दैट इज 8% हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी, अगर आपका केई दे रखा हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो 10%, तो जैसा अभी एक और सवाल किया था पिछला 8.5 एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव की जरूरत है नहीं, जिसमें आपको कोई परेशानी ऐसा अच्छा खासा हो मुझे नहीं लगता, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी होमवर्क में दिया था, इसको भी समझा देते हैं एक बार, जो जो क्वेश्चन होमवर्क में है उसको मैं समझा दूंगा, करना आपको है। क्या कहता है क्वेश्चन में, मिस्टर शुक्ला वांट्स टू द कंपनी जस्ट गिवन अ करंट डिविडेंड ₹5, यानी अगेन डी जीरो दे दिया, और डी जीरो दैट इज आपको कितने का दे दिया, 5 का, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% फॉर 5 ईयर, यानी 5 ईयर के लिए आपको कितना ग्रोथ मिलेगा सर, 10% मिलेगा, ठीक है, एंड 8% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, और आपको 8% मिलने वाला है नेक्स्ट 3 ईयर, इसमें 3 ग्रोथ आ गए नेक्स्ट 3 ईयर 8%, ये ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, और देयर आफ्टर परपेचुअली आपको 5% मिलने वाला है, तो इसके बाद जो भी ग्रोथ मिलेगा दैट इज 5%, तो 3 ग्रोथ आ गए। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी आर ई दे दिया या के ई कह लो, आपको दे दिया 10%, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द 8th ईयर इफ द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ 100, अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है 100 तो हमें बताना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे कितना है 100 रुपीज के हिसाब से बताना पड़ेगा मार्केट प्राइस,
इफ द मार्केट एक्चुअल प्राइस 100, व्हाट शुड मिस्टर शुक्ला दिस शेयर्स, मतलब 100 रुपीज शेयर चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 से कम आएगा तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारा सिनेरियो रहेगा इसके अंदर। एक सेकेंड देख, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं सर। एक और सवाल आपके सामने 8.8, सारे सवाल लगभग लगभग ऐसे ही हैं। तो जो सवाल मैं समझा दूंगा, करना आपको है, इसका सॉल्यूशन मैं, आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा, मतलब जो बुक में है। कहता है तिवारू वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट हैविंग द करंट मार्केट प्राइस, यानी P0 दे रखा है सर, P0 340 है। हाउएवर द मिस्टर पांडे गुड फॉर द गुड फ्रेंड है तिवारी सजेस्ट हिम टू बाय द शेयर, उसको बोला भैया तू शेयर खरीद ले। द शेयर आपका ओवर वैल्यूड, यू आर गिवन टू द रिसेंटली पेड डिविडेंट और आर द 10 पर शेयर, यानी आपको D0 बता दिया, कहानी बता के बता रहा है और कुछ नहीं है। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो रहेगा, यानी जी जो रहने वाला है 7%, कहानी समझना आप। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% रहेगा आपका, यानी आपका जो KE है दैट इज आपका 10% है। डू यू थिंक मिस्टर पांडे करेक्ट, आप जानते हो क्या मिस्टर पांडे करेक्ट है, शुड तिवारी बाय दिस शेयर। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लो। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे सर, D1 रखोगे, D1 क्या होगा आपका, आपका D0 दे रखा है 10, ग्रोथ 7 है, तो 10 1 प्लस में 0.07 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे KE क्या है 0.1 माइनस में 0.07। सिंपल सी बात, सॉल्व कर लो और 340 से रेट डिटरमाइन कर लो। 1.07 एंड सॉरी 10 इंटू में 1.07 तो ये, और डिवाइडेड बाय 0.03 ये आ गया 356 रुपये प्राइस आ रहा है सर, 356 रुपये प्राइस आ रहा है। और वो आपका दोस्त बोलता है 340 में खरीद लो, तो दोस्त सही बोल रहा है, दोस्त के साथ चले जाओ भाई, 340 में आपको खरीद लेना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो इसमें सजेशन देना था बस। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब 9 पे आ जाइए। 9 ऑलरेडी मैंने कुछ बता दिया था आपको किस तरीके से करना है, सारी चीजें नहीं पता अभी एग्जैक्टली। हमने इस टाइप का क्वेश्चन यूजिंग द गॉर्डन, अब गॉर्डन मॉडल कह लो या फिर मैं कह सकता हूं ना, गॉर्डन को छोड़ो, अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था ना उससे भी कर सकते हो आप। मैंने गॉर्डन का कहा था, गॉर्डन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, लेकिन गॉर्डन को छोड़ो आप दूसरे से भी कर सकते हो। गॉर्डन का बेसिकली जो फॉर्मूला था ना वो मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला जस्ट आपको अप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8.9 है, बस खत्म ही हो गया, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। तो गॉर्डन का फॉर्मूला थोड़ा सा जो था डिफरेंट, इसमें बोल दिया तो कहता है कि सर वहां पे जो प्राइस होगा P0 होगा वो होगा E और 1 माइनस में B, याद आया होगा, और डिवाइडेड बाय KE माइनस में ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, BR होता है, ग्रोथ को हम BR भी कहते हैं। BR इज इक्वल टू आपका G होता है हमारा, याद रखिएगा।
बी क्या है हमारा रिटेंशन और आर क्या है रिटर्न। अब मान लो मैं 100 रुपए बचा लूंगा और उसी को इन्वेस्ट करके तो रिटर्न करूंगा तो वही तो ग्रोथ लगेगा मेरा, तो बी आर का मतलब होता है आपका जी। तो सिंपल सिंपल सवाल में क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। सर जी रिटर्न यानी के ई या रिटर्न कह लो, आर कह लो इसको यार, तुम तो आर ही कह लो इसको। आर दे दिया, आर कितना है 16%। इन्वेस्टमेंट एबीसी लिमिटेड गॉर्डन मॉडल फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर ईपीएस, आपको ईपीएस दे दिया यानी ई दे दिया 10। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, आरओआई दे दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मुझे 20% चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 है तो 20% ही होगा, ये जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। एंड रिटेंशन रेशो, हमें रिटेंशन रेशो दे दिया सबका, इसका रिटेंशन रेशो, इसका रिटेंशन रेशो, इसका रिटेंशन रेशो। तो ये रिटेंशन रेशो जब दे दिया है तो रिटेंशन रेशो के हिसाब से हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सर रिटेंशन रेशो से। तो बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एफएम में बहुत सारे किए हुए हैं, तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद बहुत इजीली आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं मैं तो आपका इसको आरओआई जो है ना, इसे तो के ई मान लो आप, ये तो के ई है ना के ई, और इसे मानो आप बी आर है ना, तो इसे आर मान लो आप, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है आर, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। पी जीरो मैं 0% पे कर देता हूँ, तो आपका ई, ई क्या है 10, 10 में से आपका अगर रिटेंशन रेशो 0 है तो पे आउट रेशो क्या होगा सर, अगर रिटेंशन रेशो 0 है तो पे आउट रेशो क्या होगा, 100% होगा। तो यानी 10 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ओहो इसको छोटा करना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन था, यही है रिटेंशन रेशो। तो ई कितना है हमारा 10 है, 1 माइनस में रिटेंशन रेशो कितना है 0 है, डिवाइडेड बाय के ई क्या दे रखा है 0.1, माइनस में बी आर करोगे, बी क्या है सर हमारा, बी दे रखा है हमें यानी रिटेंशन रेशो, बी क्या होता है रिटेंशन रेशो, बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो, तो कितने परसेंट है 0%, तो 0% इंटू में रिटर्न कितना है 20, तो ये तो 0 ही हो जाना है, तो क्या आ गया हमारा, इसको भी करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा 100 रुपए। इसी तरीके से 40 पे करना है और 60 पे करना है, ये आपका गॉर्डन रूल था, ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है, हालांकि मैंने कम ही क्वेश्चन दिए थे लेकिन मैं आज सारे के सारे दे देता हूं। ये कहता है DCL एक्सपेक्टेड टू द डिक्लेयर डिविडेंड, एक्सपेक्टेड कर रहा है, तो सर ये क्या है D1 है, D1 क्या है 5 है, ऑफ द करंट ईयर द कंपनी अर्निंग कंपनी गिविंग 10% पर एनम ग्रोइंग, यानी जी दे दिया आपको 10% है। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो यानी के ई दे दिया आपको, के ई दे दिया कितने 15%, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। इफ द करंट मार्केट प्राइस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, एन इन्वेस्टर बाय शेयर नाउ सेल आफ्टर 1 ईयर रिसीव द डिविडेंट, वॉट इज द डिविडेंट ईल्ड और होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप अभी निकाल लो, तो सर ये लो जी मैं अभी निकाल लेता हूँ, क्या क्या दे रखा था हमें, डी दे रखा था, डी कितना था सर डी वन कितना था 5 था, के ई क्या दे रखा था सर, के ई दे रखा था 15%, और जी कितने दे दिया 10%। फॉर्मूला क्या होता है पी जीरो का सर, पी जीरो का फॉर्मूला होता है हमारा D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस में जी, तो D1 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस में ग्रोथ, तो कितने आ गए सर 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 0.0, माने 6 क्यों किया, 10 आएगा यहां, 10 आएगा 1 0 5, 100 रुपए आ गया प्राइस। कहता है भैया एक साल बाद बता दो इसका प्राइस, तो एक साल बाद सिंपल सी बात है भैया, डी बढ़ जाएगा ना, जो आपका 5 है ये हो जाएगा 1 प्लस में 0.1 हो जाएगा, ये ग्रोथ बढ़ गया एक साल बाद, समझो बात को आप, जब एक साल बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा
मैं दोबारा रिपीट कर दूं, द करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी हमारा मार्केट प्राइस यही है, व्हाट द एक्सपेक्टेड आफ्टर वन ईयर, तो आफ्टर वन ईयर डी वन बढ़ गया, और सर हमारा क्या हो जाएगा सर नीचे 0.15 इन माइनस में 0.1, तो 5 इंटू में 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05 ये आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो बोला गया कि भैया हमें बता दो आप सबसे पहले क्या डिविडेंट ईल्ड कितना हुआ, तो डिविडेंट ईल्ड की बात करें तो डिविडेंट कितना बढ़ा सर, सर डिविडेंट बढ़ गया हमारा, पहले था 5.50 पैसे का डिविडेंट बढ़ गया, ठीक है ना, पहले 5 रुपये का डिविडेंट था अब 5.5 रुपये का डिविडेंट हो गया, पी जीरो बेस यही मानना है तो 100, तो आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, तो भैया 0.5% का ये हो गया डिविडेंट ईल्ड। मार्केट में कितना ईल्ड हुआ 10 रुपये बढ़ा, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में आप कर दोगे, ये तीसरे चैप्टर को अगर ध्यान से आप याद हो तो तीसरा चैप्टर फिर से पढ़ के फिर करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, 10% का ये रिटर्न आया। सर ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 10, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी गिवन है। और होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना चाहोगे तो टोटल कितने बढ़ गए देख लेना, 10 रुपये शेयर बढ़ा, 5 रुपये वो बढ़ा, तो टोटल 15 रुपये इस हिसाब से आप निकाल लोगे इसका। अगले पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तो समझ के चलो आपका, ये तो रेशो का क्वेश्चन हो जाता है, 11 भी होमवर्क में दे दिया था, आ जाइए सर 11 में कहता है मैनेजमेंट काउंसलिंग द कंपनी टू एक्सपेक्टेड पे डिविडेंड 12 रुपीज, तो D1 बता दिया कि भैया 12 होगा, एंड ऑफ द ईयर द डिविडेंड हैव बीन द ग्रोइंग 10%, जी दे दिया 10%, एंड द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड कंटिन्यू यानी बिल्कुल रहेगा, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको के ई दे दिया, इसने के ई दे दिया सर कितने का 12% दे दिया, अज्यूम दैट द शेयर आपका फेयरली प्राइस ऑफ द मार्केट, फाइंड आउट द एम्प्लाइड पीई रेशियो इफ द EPS 20, पी रेशो निकालना है अगर EPS हो 20, तो आपको बस मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा सर, P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस में यानी 0.12 माइनस में 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 12 डिवाइडेड बाय, मैं सिर्फ प्राइस निकाल रहा हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आ गया 300 रुपये का प्राइस आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सर पीई रेशो का, पीई रेशो का होता है सर हमारा प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ईपीएस कितना कहता है 20 रुपए, तो 300 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 15 आ गया हमारा पीई रेशो, कितने आ गए सर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, क्वेश्चन नंबर था 15, 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 0.02 600 होगा ये, कोई नहीं मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, ये जो आएगा निकल के 600 और ये 600 कर दो, ये आ जाएगा 30, पी कितना हो गया 30 हो गया, सिंपल सा सवाल। सर अगला क्वेश्चन जो है ना इसके लिए आपको फाइंड ईपीएस करना है, अर्निंग पर शेयर, डीपीएस करना है, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस करना है आपका शेयर्स का, जो कि आपका अर्निंग ईल्ड करना है आपको, डिविडेंड ईल्ड करना है आपको, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं हम, ईपीएस फाइंड करने का तरीका होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो रेशो का सवाल है सर। इसके बाद डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे डीपीएस, ये होगा हमारा डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी डीपीएस आ गया। मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, आपको पी जीरो तो निकालना आता ही है, कांस्टेंट ग्रोथ है तो मार्केट प्राइस निकाल लोगे, अर्निंग जैसे अर्निंग ईल्ड का मतलब है कितना शेयर्स के प्राइस में प्रॉफिट हुआ, तो ये मैं आंसर डाल दूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस बच्चे का अगर बहुत सारा फ्रिक्वेंटली डाउट आया तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए।
क्वेश्चन 13 ये होमवर्क में दिया गया था, होमवर्क में दिया गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कहता देयर द करंटली मार्केट अवेलेबल आपका 30 रुपए में होता है, रिस्क फ्री आपका दे रखा है 5%, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 17%, द बीटा दे रखा है 1.5, दे ईयर एक्सपेक्टेड शेयर आपका 4 रुपए एंड द कंपनी ग्रोथ 6% है, कैलकुलेट इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो सबसे पहले बीटा निकाल लोगे, यानी आपको निकालना पड़ेगा के ई। के ई क्या होता है सर, आपका होता है आर एफ प्लस आपका आर एम माइनस में आर एफ को मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, बीटा से। इससे क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा। के ई अप्लाई करके आप सिंपली निकाल पाओगे इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट। बीटा क्या होता है, बीटा होता है कि मार्केट में हमारे शेयर्स का प्राइस कितनी तेजी से फ्लक्चुएट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बीटा। 1/4 ये द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज जस्ट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड यानी D0। द करंट ग्रोइंग ऑफ द कंपनी 5% यानी G 5%। नाउ कंपनी एक्सपेंड ऑपरेशन ओवरसीज एंड डिसाइड नॉट पे डिविडेंड 4 ईयर, यानी भैया हम डिविडेंड देंगे ही नहीं, तो नेक्स्ट 4 ईयर तक डिविडेंड देना ही नहीं है, सब कुछ रिटेंशन ही करना है। After the expected pay dividend 20 और 4 साल के बाद after 4 ईयर कितना रखने वाले हैं, ये 20 रखने वाले हैं। ग्रोथ रेट 10% होगा सर, जी होगा 10% का फॉर एवर के लिए। इफ द कंपनी डज नॉट एक्सपेंड ऑपरेशन इन विल बी द डिसकॉन्टिन्यू द डिविडेंड विल बी द रिमेन ग्रोथ रेट 5%, फिर से भैया जी हो जाएगा हमारा 5%। द फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई दे दिया आपको सर, के ई 15%। वट विल बी द अफेक्टेड वेदर द कंपनी एक्सपेंड और नॉट, मतलब क्या होगा अगर कंपनी एक्सपेंड करे तो और नहीं करे तो, कैलकुलेट द वैल्यू। तो आपका कंपनी का एक्सपेंड पे बताइए, कंपनी डज नॉट एक्सपेंड पे बताइए। तो सिंपल सी बात है, आपके ग्रोथ डबल हो गए। दो तरीके से सोचना है कि एक कंपनी एक्सपेंड करेगा और जब एक कंपनी एक्सपेंड नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। जो आपको PVAF वाला टेबल बताया था उसी टेबल से पूरा का पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। दो ग्रोथ दे रखा है, एक बार एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेंड वाले से करके दिखा देना, एक बार जब एक्सपेंड नहीं करेगा तो करके आप इसको दिखा दोगे। जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे आप बताते जाओगे, मैं करवा दूंगा। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कहता है कंपनी का जो है डिविडेंट है पेइंग डिविडेंट, यानी आप D0 मानो D1 मानो आपकी मर्जी 1 है, और जब ग्रोथ आपका G दे रखा है आपका 7, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लो अगर K ये हो ये हो ये हो, और यहाँ पे दोनों चीजें बदल दिया तो सिंपल सी बात है आपको डिफरेंट डिफरेंट K दे दिया, उससे आपको प्राइस बताना है जो कि सिंपली निकाल लोगे। अगर मैं मुझे एक बोलो निकालने तो मैं निकाल के बता देता हूँ, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय आपका 0.15 माइनस में 0.707, तो 8 1 डिवाइडेड बाय 0.008 कर दोगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.08 यानी ये आ गया सर 12 रुपए 50 पैसे। एक का मैंने निकाल दिया, बाकी आप निकाल सकते हो सिंपली। अगला सर, कहता है फाइंड आउट द 3 शेयर, बेस्ट कौन सा शेयर है। आपको कैपिटल डिविडेंड यील्ड भी निकालना है, कैपिटल गेन भी निकालना है, अभी पीछे डिविडेंड यील्ड निकाला था, प्राइस ऑफ द शेयर्स भी निकालना है। ठीक है, अज्यूम आपको 3 शेयर दे रखे हैं, तो मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको डिविडेंड दे रखा है एक्सपेक्टेड और ग्रोथ दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले आप P0 निकाल लीजिए या इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर आप सिंपली जो भी इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, डिविडेंड है, ग्रोथ है, सारी चीजों को लगा के फिर आप कर सकते हैं कैपिटल गेन कितना होने वाला है अगर हमारा कितने का है। फॉलोइंग शेयर द फंडामेंटल्स एनालिसिस, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, P0 इज इक्वल टू क्या, डी क्या है, डी क्या है 4 डिवाइडेड बाई के ई क्या है हमारा, के ई दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है रिटर्न 20% ईच केसेस, तो 0.2 माइनस में 0.05, इसको सॉल्व करिएगा आपका P0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा आपका P0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका भी सॉल्व कर लीजिए, इसका भी सॉल्व कर लीजिए। आपको निकालना है एक प्राइस, तो निकाल लिया पहला पॉइंट सॉल्व, डिविडेंड यील्ड करना है तो आप कंपेयर कर लीजिए, और एक्स और वाई आपने जैसे शिफ्टिंग किया तो इससे डिविडेंड यील्ड आ जाएगा आपका, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सवाल 16
17 क्वेश्चन दे रखा है, 17 क्वेश्चन में आपको निकालना है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मैं बता दूं कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस में रिजर्व, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पे देखा जाए नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, फेस वैल्यू दे रखा है, तो आपका रिजर्व ही है 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 5 लाख। अब ये 6 लाख है ना, 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 6 डिवाइड 5, 1.2 आ गया। सिंपल सी बात है, 1.2। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है सिर्फ 18 और 19। 18 में भी कुछ भी नहीं है, 19 में भी ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक बार प्रॉफिट और प्लस में इक्विटी भी लिख लीजिए, फेस वैल्यू इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर करिएगा। यानी मैं सिंपल सी बात करूं तो इसको कर लीजिए आप शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। शेयर होल्डर फंड यहां पे 50 लाख प्लस में 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 11.2। ठीक है, दूसरे का भी निकल जाएगा। ये भी आप होमवर्क में कर लेंगे, नहीं जो भी होगा वो बता देंगे, मैं वैसे ही बता दूंगा। और ये भी होमवर्क में हो जाएगा। आरओई दे रखा है, रिटर्न दे रखा है यानी आर दे दिया, ईपीएस दे दिया, डीपीएस दे दिया यानी डिविडेंड दे दिया, एक्सपेक्टेड D1 है ये, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया पर ईयर, अब फाइनेंशियल एडवाइजर डू यू रिक्वायर टू द कंप्यूट, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बताना है और पी रेशो आपको निकालना है। तो ग्रोथ रेट बताना है, ग्रोथ रेट क्या है, सब कुछ तो दे गिवन ही है, आपको सिंपल ग्रोथ रेट बता देना है क्योंकि आरओई दे रखा है, पी रेशो से आप निकाल लोगे। तो क्वेश्चन 19 ये लास्ट था और ये भी सिंपल सा था, ये भी होमवर्क में दे दिया है मैंने। इन सभी के मैं कोशिश करूंगा आंसर अपलोड कर दूं। तो ये था हमारा इक्विटी वाला पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे सर कौन सा, इसके बाद हम करने वाले हैं आपका एक न्यू चैप्टर आपका, दैट इज न्यू चैप्टर का नाम क्या रहेगा, न्यू चैप्टर का नाम रहेगा आपका चैप्टर नंबर है आपका इक्विटी, जो खत्म हो जाएगा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आपका EMH, उसको देखेंगे जो कि बहुत आधे